रात धर्म की श्री वल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दयाल की श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की गणेश जी महाराज की सरस्वती मात की खेड़ापति सरकार की महाकाल राजा की जय ओंकारेश्वर भगवान की जय गंगा महारानी की जय नर्मदे महारानी की जय संत सतगुरुदेव गौ माता की जय चिंता संतान हंतारु यत्पदानुरेण सुयनम तनीजाचार्याणाम प्रणमामि नमो नमः यदुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिराघास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुर्नमीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाचिदग्निशयनं लक्ष्मीसहस्रलीलाम्भिः सर्वमानं कलानिधिं चतुर्भीष्म 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 त्रिविस्तवा षड्जायते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम बोल काशी विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय
हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान भूत भावन भूतेश्वर, भगवान शिव जिनकी आनंदमय कथा शिव महापुराण हरदोई नगर के इस पावन प्रांगण में अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित इस पुण्यमय कथा का लाभ लेने का सौभाग्य अग्रवाल परिवार श्री मुकेश जी अग्रवाल द्वारा आयोजित इस पुनीत कथा का, शिव महापुराण का लाभ माघ के इस पावन महीने में प्राप्त हुआ है। कुछ परमात्मा की कृपा, कुछ प्रभु की दया और कहीं पूर्वजों का आशीर्वाद है जो बाबा विश्वनाथ की कथा को सुनने का सौभाग्य मिला है। कुछ पुण्य हमारे जिंदगी के होते हैं जिसके कारण हमें कुछ अच्छा प्राप्त हो जाता है, और कुछ पुण्य जिंदगी के ऐसे होते हैं जिसको हम धारण करना चाहते हैं तो भी वो प्राप्त नहीं हो पाता। पुण्य की प्रबलता, एक बार भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ में घूमते घूमते निकल कर जा रहे थे। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज शाम के समय घूमने जाते हैं, और इनको देख देख के लक्ष्मी जी बड़ी कुड़ती है। लक्ष्मी जी की जान बहुत जलती है, बताओ तुरंत भगवान विष्णु से कहती है, देख लो शाम हुई नहीं और दोनों निकले नहीं। ऐसा होता है कभी कभी, पड़ोसी तुम्हारे पास में रहने वाला अपनी पत्नी को लेके रोज घूमने जाए तो तुम ही कभी कहते, देख लो वो उठाई गाड़ी और चल दिया, और तुमको तो एक मिनट हमारे लिए फुर्सत नहीं कि हमको कहीं ले जाए। अच्छा, एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने ये बात की तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण ने कह दिया, चल तू अब भी तैयार हो, चल तेरे को अब भी लेके चलो, तू हो जा तैयार अभी हो। तो लक्ष्मी जी तैयार होने गई, तैयार होके बैकुंठ के 8 दरवाजों में ताला लगाया, 24 खिड़कियों में ताला लगाया, तब जाकर लक्ष्मी बाहर आई। तब तक तो अंधेरा हो गया। भगवान नारायण बोले, आप एक काम कर, कल ही चलेंगे, अब अभी जाकर करेंगे। तो इतने में लक्ष्मी जी बोली कि भगवान शंकर के यहाँ ताला माला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान नारायण बोले, कुछ होए तो लगाए, ताला भी उसी के यहाँ लगाया जाता है जिसके यहाँ कुछ होए। तो इनके यहाँ कुछ नहीं है। भगवान नारायण बोले, अगर कुछ है भी तो ये जाने से पहले अपने गले में जो बब्बा है ना उसको घर में छोड़ के चले जाते, किसी के बाप में दम हो तो घुस के बता दे। अब एक अंदर बैठा है तो कौन का दम होगा कि अंदर जाएगा महाराज। तो एक बार महादेव भगवान माता पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकले, और भ्रमण पर जाते जाते इतने में माता पार्वती जी पहुंच गई गंगा के घाट पर, और राम घाट पे इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़। माता पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ ये भीड़ काय की है? नारायण भगवान शंकर बोले, ये सब शाही स्नान की भीड़। शाही स्नान? हाँ, कुंभ का मेला चल रहा है, शाही स्नान की भीड़। तो शाही स्नान का मतलब क्या होता है? भगवान शंकर बोले, जो नहाएगा वो बैकुंठ जाएगा। तो पार्वती जी भगवान शंकर से बोली, भोलेनाथ एक बात बताओ, ये इतना सारा लोग सब नहा नहा के बैकुंठ आएगा, तो अपन ने तो कुछ व्यवस्था बैकुंठ में करी नहीं कि इतना सारा लोगों को, क्योंकि बैकुंठ तो छोटा सा। अब बैकुंठ इतना छोटा सा और ये लाखों करोड़ों लोग स्नान करने के बाद, शाही स्नान के बाद में अगर बैकुंठ आ जाएंगे तो इतने लोगों की व्यवस्था बैकुंठ में भी तो करना चाहिए। भगवान शंकर बोले, पार्वती तुम भी फालतू की बात में लगी रहती, ये सब की सब गंगा नहा रहे हैं पर सब की सब बैकुंठ,
थोड़ी नहा रहे हैं। तो पार्वती जी बोली, अभी तो तुम बोले कि जो शाही स्नान में नहाएगा बैकुंठ जाएगा। भगवान शंकर बोले, स्नान करना और नहाना दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। भगवान शंकर कह रहे हैं, पार्वती एक होता है केवल गंगा के जल में डुबकी लगा लेना और गंगा के पानी से अपने शरीर को धो लेना, अपने शरीर को केवल एक गंगा में डुबकी लगाकर गंगा के जल में उसको धो लेना, इसको स्नान नहीं कहा गया, इसको केवल एक नहाना कहा गया, केवल नहाना। पार्वती एक केवल पानी में गोता लगा लेना और एक होता है इस मन को गंगा के घाट पर ले जाकर इस मन को धो लेना। एक से शरीर धुलता है, एक से मन धुलता है। पार्वती जी बोली, ये मन का गोता क्या होता है? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तू मेरा साथ दे, मैं एक बीमार बन जाता हूं और एक जगह पर जाकर बैठ जाता हूं। शंकर भगवान ने एक कोड़ी का रूप रख लिया और एक गंगा के घाट पर जाकर बैठ गए। पार्वती जी को इतना सुंदर रूप दे दिया, इतना सुंदर रूप, पार्वती जी उनके पास में जाकर बैठ गई। दुनिया के लोग निकल के जा रहे, पूछ रहे ये कौन है, तो माता पार्वती बोल रही, ये मेरा पति है, मैं इनको कंधे पर बिठा कर गंगा नहाने लाई थी, पर अब ये चलते नहीं बन रहा मुझसे, इसलिए मैंने इनको यहाँ बिठा दिया, आप मेरी सहायता करेंगे, मेरे पति को उठाकर गंगा जी तक ले जाएंगे। इतने में जो भी निकल कर जाए वो पार्वती जी की सुंदरता देखे और सुंदरता देखकर बोले, इसके चक्कर में क्यों पड़ी है, इसको छोड़ दे, हमारे साथ में चलिए। पार्वती जी की सुंदरता देखकर बार बार कहा जा, पर शंकर जी जो कोड़ी का रूप रखकर बैठे उनको कोई नहीं कह रहा कि हम तुम्हें गंगा जी नहा दे। सुबह से शाम हो गई, ना जाने कितने लोग निकल कर गए वह कुंभ के मेले से, ना जाने कितने लोग पहुंचे, पर कोई शंकर को उठाकर नहीं ले गया। तब एक व्यक्ति आया और आकर भगवान शंकर के सामने पहुंचकर बोला, माता जी आप चिंता मत करो, अब मैं इनको उठा लेता हूं और इनको गंगा नहा देता हूं। भगवान उनको उठाकर गंगा नहाने के लिए, और गंगा नहाने के लिए जब लेकर गए, भगवान शंकर को जब उठाकर ले गए गंगा नहाने के लिए, तो माता पार्वती और शिव ने उसको दर्शन दिया और दर्शन देकर माता पार्वती से कहा, जगत जननी, हे जगदम्बा, हे पार्वती सुनो, इसको कहते हैं स्नान। अगर किसी का भला कर, किसी का सहयोग कर, किसी को अच्छी जगह तक पहुंचाकर हमारे मन को अगर पवित्रता का भाव प्रदान कर दिया जाए तो वो स्नान है। नहीं तो इतने लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए होड़ लगी हुई है शाही स्नान की होड़। और ढेरों लोग जा रहे हैं, पर सब क्या बैकुंठ जा सकते? नहीं, बैकुंठ की तो एक सीमा है, छोटा। किसी ने पूछा, गुरुजी क्या कथा सुनने वाले बैकुंठ चले जाते? हमने कहा, भैया एक बात सुनो पहले अच्छे से ध्यान से, पिछले कुंभ के मेले में उज्जैन में यह प्रश्न किया गया था, तो हमारा एक ही निवेदन था कि अगर रिसर्च करा जाए, सर्च करा जाए, तो उस सर्च में निकलेगा कि जितनी भी सांस हैं वो सब नरक जा रही हैं और जितनी भी बहुएं हैं वो सब बैकुंठ जा रही हैं। तो अब समझ में ये आ जाए कि ऐसा क्यों हो गया, सबसे ज्यादा कथा में तो सांस ही जाती है, सबसे ज्यादा कथा में तो सांस सुन पहुंचती है, और बहू तो घर पे रहती है, तो फिर बहू को नरक जाना चाहिए, सास को बैकुंठ जाना चाहिए, और आप कह रहे हो कि सास नरक जा रही है और बहू बैकुंठ जा रही है। उसका कारण, उसका केवल एक कारण है कि व्यक्ति कथा में जाकर जरूर बैठता है, पर आप लोग भी बैठे हुए हो, कई सास उन कथा में जाकर बैठती है तो उनका मन घर में लगा रहता है, मैं एक किलो दूध रख के आई थी, ना जाने बहू पूरी चाय बना के नहीं पी जा, मैंने सब्जी बाहर रख दी थी, ना जाने क्या होगा, मैं दूध रख कर आई ऐसा हो गया। उसका पूरा ध्यान घर में है, और घर में जो बहू है उसके पास कोई आकर पूछा, क्यों
मम्मी कहाँ गई? अरे भैया वो मुकेश जी अग्रवाल जी कथा करवाए हैं, बड़े प्रेम से कथा चल रही है अग्रवाल धर्मशाला में, हमारी मम्मी वहां गई। बहू पूरी कथा ही कथा की बात करे और सास यहाँ बैठी बैठी दूध को याद करे। अब बताओ जी जियो हरदोई वाली, तुम बोलो सास कहाँ जाएगी और बहू कहाँ जाएगी, बताइए, विचार करें। बहुत कठिन है, परमात्मा की डगर तक पहुंचना बहुत हम बैठकर भी परमात्मा के नहीं हो पाए। दो मित्र, दोनों का जन्मदिन एक साथ, दोनों का बर्थडे, एक कह रहा चल होटल में चल के एंजॉय करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, दूसरा कहता नहीं जन्मदिन अपन मनाएंगे तो काशी विश्वनाथ के दरवाजे पे चलेंगे, तू काशी चल। उसने कहा नहीं मैं तो होटल जाऊंगा, मैं काशी नहीं जाऊंगा। दोनों में लड़ाई हो गई, काशी जाने वाला काशी चले गया, होटल जाने वाला होटल चले गए। जो काशी में गया, जैसे ही वो काशी में पहुंचा और काशी में पहुंचते ही काशी में जाते ही और जैसे ही वो काशी में पहुंचा है, काशी में पहुंचते ही उसके मन में आया मेरा मित्र होटल में एंजॉय कर रहा होगा, कितना होटल में पड़ा होगा, खूब खा रिया होगा, पी रिया होगा, मौज कर रहा होगा, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होगा। जो काशी की लाइन में लगा है, भीड़ लग रही है, बहुत भीड़, धक्के खा रहा है और वो याद कर रहा है कि मेरा मित्र कितना अच्छा जो वहां पड़ा होगा। और जो होटल में पड़ा हुआ था, जो गलत काम कर रहा था, उसको वो याद आ रहा है कि मेरा मित्र, मैं अपना जन्मदिन होटल में मना रहा हूँ, कितनी गंदी जगह पड़ा हूँ, और मेरा मित्र काशी में होगा, कितना सुंदर विश्वनाथ का दर्शन कर रहा होगा, गंगा का स्नान कर रहा होगा। दोनों जनी जब मिले, एक बाइक से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, जो काशी के मंदिर में खड़ा था वो नरक चले गया और जो होटल में पड़ा था वो बैकुंठ चले गया। क्यों? क्योंकि वहां खड़े होकर भी उसका मन परमात्मा में नहीं था, परमात्मा में। इस चित्त को, इस मन को परमात्मा तक लेकर जाना, पर ये जाएगा कैसे, इसको पहुंचाओगे कैसे, ये परमात्मा की चौखट तक जाए कैसे? तो कहा इस मन को कुछ सजा देकर कुछ परमात्मा की भक्ति में पहुंचाना पड़ेगा, परमात्मा की। महाराज आज सवेरे कौन प्रश्न कर रहा था, आज सवेरे कोई एक भाई आए थे तो वो प्रश्न कर रहे थे यही हरदोई के, आप ही के पहचान वाले थे, पहुंचे, गुरु जी ये बताइए कि दुनिया में भगवान दुख देता है तो दुख देने वाले कोई दुखी देता जाता है, देता ही जाता है, और सुख देने वाले को भगवान सुखी देता चले जाता है। उसका प्रश्न, जो कभी दो अगरबत्ती नहीं लगाता, जो कभी भगवान को दिया नहीं लगाता, जो कभी परमात्मा के मंदिर नहीं जाता, जो कभी परमात्मा की कथा में नहीं पहुंचता, जो परमात्मा की कभी चौखट पर नहीं जाता, भगवान उसको खूब देता है, और जो भगवान के मंदिर जाता है, भगवान को धोख लगाता है, प्रणाम करता है, भगवान को मानता है, दियाबत्ती लगाता, अगरबत्ती लगाता, भगवान उसको दुख पे दुख दिया जाता है, उसका कारण क्या? हमने कहा भैया केवल उसका एक कारण है, शिव महापुराण की कथा में लिखा है, एक बार भगवान विष्णु श्री देवऋषि नारद के साथ में घूमने के लिए निकले, और घूमने के लिए जब निकले तो भगवान नारायण और नारद दोनों भ्रमण करते करते एक जगह पर पहुंचे और नारद जी ने नारायण से कहा प्रभु मुझे भूख लग रही है। भगवान विष्णु ने कहा चलो सामने सेठ जी का घर है, इन सेठ जी के घर पे चल के कुछ खाते हैं, चलो। दरवाजा बजाया, आवाज लगाकर भगवान विष्णु ने कहा सेठ जी बहुत भूख लग रही है, कुछ दे दीजिए, हमें भोजन दे दो, हमें भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है सेठ जी, कुछ दीजिए। इतने में तुरंत सेठ जी आवाज लगाकर बोले तुम्हारा बाप रख के गया था, जो हम तुमको दे रहे, चलो निकलो यहां से, धक्का मारकर निकाल दिए। इतने में देवऋषि नारद जी बोले प्रभु तुम्हारा बहुत अपमान हुआ है, श्राप दे दो, बर्बाद हो जा, श्राप दो आप इसको। नारायण ने पीछे मुड़कर दोनों हाथ उठाकर कहा भगवान तुझे चार चौगुना धन और दे, भगवान तुझे चार चौगुना धन और दे, तू और करोड़पति बने, और धनपति बने।
देव ऋषि नारद बोले, प्रभु ये तुम्हारी आदत बहुत बेकार है, उसको श्राप देना था तो तुमने उसको आशीर्वाद क्यों दिया? भगवान बोले मेरी मर्जी, दे दिया चल तू तो। और आगे गए, एक सामने बुढ़िया का मकान था, बहुत बूढ़ी सी थी, कुछ भी नहीं था, कोई घर में नहीं था। आवाज लगाई भगवान ने, भगवान बोले भूख लगी है माँ। माँ बोली बाबा मेरे यहाँ खाने का कुछ नहीं है, एक ही गाय है उसका दूध मेरे यहाँ रखा है, मैं आप दोनों को पिला देती हूँ। आसन लगाया, दोनों को बिठाया, पानी पिलाया, दूध पिलाया। भगवान जाने लगे, देव ऋषि नारद बोले महाराज अब इसको आशीर्वाद दीजिए, इसने आपकी सेवा करी, इसने आपको दूध पिलाया है, कितने प्रेम से बोली है, आशीर्वाद दो इसको। भगवान ने दोनों हाथ उठाकर कहा जा तेरे पास में जो एक गाय है वो भी मर जाए। भगवान विष्णु बोले वो भी चली गई। देव ऋषि नारद बोले प्रभु ये बहुत गलत बात है, जिसने तुम्हें धक्के मारकर निकाला उसको तुम कहते हो और करोड़पति बन जा, और जिसने तुम्हारा आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, जो तुमको भोजन कराई, दूध पिलाई, और तुम उसको कह रहे हो कि तेरी एक ही गाय मर जाए। भगवान बोले नारद तू समझ नहीं पाएगा, ये माँ ने मेरा आदर करा, ये मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरी सेवा करती है, दिन रात मेरी सेवा में डूबी रहती है, मैं जानता हूँ ये मेरी है, पर मुझे मालूम है अगर ये मरेगी तो इसका मन उस गाय में लगा रहेगा और मरते ही इसका अगला जन्म गाय का हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इसको गाय की योनि मिले, इसलिए मैं इसको सारे जंजालों से मुक्त कर अपना बनाना चाहता हूं। तो सेठ जी को तुमने आशीर्वाद क्यों दिया कि तू करोड़पति हो जा, तू धनपति हो जा? भगवान बोले उसके यहां ज्यादा धन भराता जाएगा तो अगला जन्म उसका सांप का होकर वो धन के पास ही बैठा रहेगा, इसलिए मैंने उसको आशीर्वाद दिया। उसको नहीं चाहता कि मेरे पास आए, उसको तो मैं पृथ्वी पर ही पटकना चाहता। ये वही बड़ा आश्चर्य होता है महाराज, जब लोग हमको मकान दिखाने ले जाते हैं, नया नया मकान बना और दिखाने ले जाए भाभी जी, तो लोग कहते हैं आइए महाराज ये हमारे बड़े बेटे का बेडरूम, ये छोटे बेटे का बेडरूम, ये मंजिले का, ये हमारी लड़की का, और ये हमारा। देखिए बड़ा मेहनत से बनाया महाराज जी, बहुत सुंदर बनाया, आपको कैसा लगा? और उस कमरे में एक चिपक रही थी छिपकली, एक छिपकली लगी थी, तो हम छिपकली को देख रहे हैं, तो उन्होंने पूछा महाराज आप पूरा मकान नहीं देख रहे, छिपकली को क्यों देख रहे? हमने कहा जैसे तुम कह रहे हो कि ये मेरा है, छिपकली भी कह रही है कि मेरा है, क्योंकि ये वो छिपकली है जो के मर गई, मेरा मेरा मेरा, तो उसकी जमीन पर तुमने जो मकान बनाया तो आकर चिपक गई कि अभी भी मेरा। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में कुछ मेरा है ही क्या, मुट्ठी बांध आया जग में हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में आगे लोग कहते हैं क्या तू लेकर जाएगा, पर शिव पुराण कहती लेकर जरूर जाएगा। क्या ले जाएगा? जो तुमने ये कथा सुनी, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने दान करा, जो तुमने सत्कर्म करा, आज जो ये अग्रवाल परिवार अगर सत्कर्म कर रहा है, ये पुण्य कर रहा है, तो ये इनका। आप अगर कथा सुन रहे हो उसके, आप कथा के रसपान में अगर विराजमान हो तो ये पुण्य आपका है। आप अपना घर परिवार कुटुंब कबीला सब छोड़कर आप अग्रवाल धर्मशाला में आकर अगर बैठे हो तो इतना याद रखना कि एक दिन मेरा विश्वनाथ भी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, ये पक्का। तुम अगर यहां तक आए हो, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। अगर हम विश्वनाथ के दरवाजे तक पहुंचे हैं, हम भगवान की कथा तक पहुंचे हैं, हम परमात्मा की चौखट तक पहुंचे हैं, तो यह पक्का है कि एक ना एक दिन परमात्मा भी हमारे दरवाजे पर, हम जाए, हम उसकी चौखट तक पहुंचे। बहुत एक बार भगवान देव ऋषि नारद बैठे तप कर रहे हैं, और भगवान नारद जी तप कर रहे हैं, और तप में आज कामदेव को नारद ने जीत लिया, नारद जी काम को जीत लिए, और कामदेव को जीतने के बाद देव ऋषि नारद सीधे शंकर जी के पास पहुंचे, भोलेनाथ के पास,
हर हर महा। भगवान पहुंचे और देवऋषि नारद जैसे ही शंकर जी के पास पहुंचे, भोलेनाथ जी ने पूछा, शंकर जी ने तुरंत बोलो कामदेव, बोलो देवऋषि नारद कैसे आयो। देवऋषि नारद बोले, प्रभु जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है, जिसको आपने नहीं जीता उसको मैंने जीता। देवऋषि नारद कहे, और ये पक्का है जो बच्चा अच्छे नंबर से पास होता है वो सबसे पहले जिसकी सप्लीमेंट्री आती है या जो फेल होता है उसी के घर पे जाता है, पास होने वाला बच्चा सबसे पहले जाता है और जाके आंटी जी को धोख लगाता है, आंटी 82% से मैं पास हो गया। और फिर आंटी अपने छोरे को जो धोती है ना मोगरी से, जो मारना चालू करे, देख ले एक ही जगह कोचिंग करी एक ही जगह पढ़े और वो अच्छे नंबर से पास हो गया, तू पास नहीं हो पाया। और माँ ने फिर धोया अच्छा जोरदार, अब देवऋषि नारद शंकर जी के पास जाकर कह रहे हैं आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने कामदेव को जीता। देखा आपने, शंकर भगवान मन में सोचे हाँ ठीक है देवऋषि नारद आपने काम को जीता है क्योंकि आप देवताओं के भी ऋषि बने, आप देव ऋषि, माना आपने काम को जीता। पर शंकर भगवान ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतार कर प्रदान कर दी भगवान देवऋषि नारद को। देवऋषि नारद को रुद्राक्ष की माला देकर कहा आप धनभागी हैं, कोटि किस्मत वाले हैं, पुण्य आनंदमय हैं आप जो आप काम को जीत लिए। देवऋषि नारद को समझाए कौन कि शंकर ने काम को क्यों नहीं जीता, शिव काम को क्यों नहीं जीता, क्या शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीत सकते थे क्या? वो तो कामदेव को जीत सकते थे पर क्यों नहीं जीते, कामदेव को नहीं जीतने का कारण क्या था शंकर भगवान? केवल एक कारण, शंकर थे सती के पति और कामदेव थे रति के पति। सती और रति एक ही मां की औलाद, अब ईमानदारी से बोलो तुम्हारा पति बैठा हुआ है और तुम्हारी बहन का पति आया, अचानक आ गया बहुत दूर से आया, और तुम्हारा पति उठकर उसको नमन ना करे, प्रणाम ना करे या मिले नहीं या गले नहीं लगे तो बुरा लगेगा क्यों लगेगा? अरे बोलो तो लगेगा ना, साढ़ू भाई आया और उठकर खड़े नहीं हुए, मेरा बहन का पति आया और तुमने नमन नहीं करा। शंकर भगवान का साढ़ू भाई थे कामदेव, अगर शिव उठकर उनको गले नहीं लगाते मिलते नहीं तो फिर घर पहुंचते तो सती शंकर से कहती कि मेरे बहन का पति आया था और तुमने उसका आदर नहीं करा। तो भगवान शंकर सबसे बड़े परिवार में रहते हैं इसलिए रिश्तेदारी बहुत निभाते, रिश्तेदारी निभाने का फल उन्हीं का। घर में कोई कोई होता है, अगर दो भाइयों का परिवार है, तीन भाइयों का परिवार है, चार भाई का, पांच भाई का, छह भाई का, सात भाई का अगर परिवार है तो उस परिवार में कोई एक भाई ऐसा होता है जो सारे संबंधों को निभा कर चलता है। क्यों जीजी तू आई नहीं, काकी जी तुम तो दिखी नहीं, बुआ जी तुम तो आई नहीं, नानी जी तुम तो दिखी नहीं, किसी किसी में ऐसा होता है जो सबको जोड़ने की बात करता है कि तुम हमारे साथ जुड़कर चलो, तुम आए क्यों नहीं, क्या कारण? आओ, पांच दिन के शिव महापुराण की कथा चल रही है, एक दिन तो आओ, 15 मिनट आओ, 5 मिनट आओ, क्योंकि यहां शास्त्र कह रहा है आधी में पुनिया, शास्त्र कह रहा है 24 घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकते तो मत करो, कम से कम 1 घंटा करो, 1 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट करो, 2 मिनट भगवान का भजन नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, 1 मिनट नहीं कर सकते तो शास्त्र कहता चिल्लू भर पानी में डूब मरो। जब 1 मिनट तुम परमात्मा को नहीं दिए तो फिर काहे की जिंदगी जी आई है। परिवार में कोई एक ऐसा होता है जो परिवार को जोड़कर चलता है, तुम आए नहीं, आइए कथा चल रही है, 5 मिनट आओ पहुंचो तो सही। भगवान भोलेनाथ जी की यही आदत थी सबको लेकर चलो, कितना निभाता होगा वो। कोई सहज नहीं है,
अपने यहाँ एक बेटे की एक पत्नी आवे, एक बहू, उसके तो एक बेटे की पांच पत्नी थी और पांच पांच बहू को निभा रिया। गणेश जी की कितनी पत्नी थी? पांच, श्री, तुष्टि, पुष्टि, रिद्धि और सिद्धि, पांच, और पांचों को निभाकर चल। कार्तिकेय की कितनी थी? दो, दोनों को निभाकर चल। कितना बड़ा परिवार, पुत्र भी हुए, गणेश जी के बेटे हो गए शुभ लाभ, उनके बेटे हो गए अमोद प्रमोद, उनकी एक बेटी हो गई संतोषी। कितना बड़ा परिवार शंकर जी का, और पूरे परिवार को निभाकर चलना बहुत कठिन बात, बहुत कठिन। शिव महापुराण कहती बहुत कठिन। लोग कहते हैं शंकर भगवान दिखने में ऐसे काला काला स्वरूप, नीला नीला स्वरूप क्यों है? शंकर भगवान 33 कोटि देवता में अगर सबसे ज्यादा सुंदर कोई है तो वो केवल एक शिव है, कर्पूर गोरम करुणा अवतार, कपूर की तरह एकदम सुंदर। जैसे कल कथा में कहा था कौवा बहुत सुंदर था पर ब्रह्मा जी के कारण ऐसा हो गया, ब्रह्मदेव के कारण श्रापित हो गया, उसी तरह शंकर 33 कोटि देवता में, 33 करोड़ देवी देवता में सबसे सुंदर अगर कोई है तो मेरा महादेव है, सबसे सुंदर। तो एक बार भगवान जब सुंदर थे तो भगवान से पूछा, फिर आपने ऐसा काला स्वरूप अपना नीलांबर स्वरूप क्यों बनाया? शंकर भगवान कहते हैं, मैं मेरे राम और कृष्ण की बहुत आराधना करता हूं, तो भगवान शंकर कहते हैं मैं उनसे ज्यादा सुंदर नहीं होना चाहता, नहीं तो दुनिया के लोग मेरे चक्कर में पड़ जाएंगे और राम और कृष्ण को छोड़ देंगे, इसलिए मैं कम सुंदर बनकर हूं। इसलिए राम जी की सेवा में लड्डू दो, पेड़ा दो, 56 भोग दो, कपड़े दो, आभूषण दो, वस्त्र दो, कन्हैया जी की सेवा में भी बहुत कुछ दो। शंकर जी कहते मेरी सेवा में कोई जरूरत नहीं है, एक लोटा पानी लाओ तो ठीक है, नहीं लाओ तो 3 बार ताली बजाओ, इतना भी नहीं बने तो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोले बोल दो, उतने में काम चल जाएगा, बस बहुत है, मुझे वस्तुओं की चाहत। आज आपके ग्रुप में, आपका जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप ग्रुप शंकर जी की कथा का, शिव पुराण का, उसमें हमने मुंबई की न्यूज का एक फोटो भेजा है, आपने देखा होगा। वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर निकाला मुंबई में कि दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक शंकर था, एक न्यूज डाली है, आप लोगों ने व्हाट्सएप पर देखी हो। मुंबई में आए हुए अमेरिका, जापान, ना जाने कहां कहां के वैज्ञानिक रिसर्च करने आए हुए हैं, और उन्होंने न्यूज निकाली तो अखबार में वो छपी कि दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक शंकर है, और उसको दुनिया जान नहीं। कौन कौन से रिसर्च उन्होंने निकाले, हमने वो न्यूज का फोटो आया आपको भेज दिया, उसको दुनिया जान नहीं पाती। ऐसी कौन सी औषधि है जो शिव के द्वारा निर्मित ना हो? ऐसा कौन सा जप है, अनुष्ठान है जो शंकर के विहीन हो? किसी का नारायण का भी भजन करोगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना पड़ेगा, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला तो ओम का संबोधन ही शिव है। ओम का संबोधन ढेर महाराज। देवऋषि नारद, आप जीते हैं क्योंकि आप संत हैं, आप साधु हैं, आप सन्यासी, आप योगी, आप तपस्वी, आप सन्यासी हैं, आप जीत गए, ठीक है, अपनी जगह। भगवान कह रहे हैं पर निवेदन है, ये बात तुमने मुझसे कह दी पर ये मेरे नारायण से मत कहना, नारायण से मत, मेरे इष्ट को मत बोलना, और जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हो, जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, जिसके प्रति आप हमेशा समर्पित रहते हो, दुनिया में याद रखना उसके लिए कभी आप गलत नहीं सुन सकते, कभी गलत नहीं। एक वो फिल्म थी जिसमें वो ऐसी चोटी वाली बाई थी, भला है बुरा है जैसा भी है, महारा पति तुम्हारा देवता है, देखिए कैसा। आप जिसको अधिक प्रेम करते हो, जिसके प्रति आपकी करुणा अधिक है, जिसके प्रति आपकी वात्सल्यता अधिक है, आप उसके लिए बुरा नहीं सुनेंगे। उसके प्रति आपका भाव जागृत होगा,
तो भगवान कह रहे हैं मुझसे तो कह दिया पर नारायण से मत कहना। और देव ऋषि नारद को लगा बताओ खुद तो कामदेव को जीत नहीं पाए और मैं जीत गया तो बताने की मना कर रहे हैं। निकलते निकलते गले की रुद्राक्ष की माला देव ऋषि नारद ने जमीन पर पटक दी। और याद रखना रुद्राक्ष स्वयं शंकर का अवतार। शंकर भगवान एक बार नेत्र बंद करके बैठे थे और शिव जी के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष हो गया। रुद्राक्ष का पेड़ और रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुआ और उस रुद्राक्ष के वृक्ष से एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष प्रकट हुआ। एक मुखी से लेकर 14 मुखी और महाराज एक मुखी रुद्राक्ष 1000 वृक्ष में से केवल एक वृक्ष पर लगता है। कितने जम के बोलिए? एक मुखी रुद्राक्ष 1000 वृक्ष में से केवल एक वृक्ष पर लगता है और एक वृक्ष में भी केवल एक ही रुद्राक्ष लगता है। केवल एक हम अभी लेकर नहीं आए, हमारे भवन में हमारा रखा हुआ है। और जितना छोटे से छोटा रुद्राक्ष होगा जितना छोटा उतना फल दे उतना फल। हम लाए नहीं, नहीं तो आपको दर्शन कराते एक मुख्य रुद्राक्ष। तो जितना वो फल दे सके। महाराज एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी अगर एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो परमात्मा की कृपा प्राप्त करकर कुबेर का खजानदार बन जाता है। एक मुखी 7 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या के लिए होता है। उत्तम विद्या कोई व्यक्ति पढ़ने वाला है, मन नहीं लग रहा, चित्त नहीं लग रहा, वृत्ति नहीं लग रही, 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर मन लगे। 5 मुखी रुद्राक्ष कार्य सिद्धि का होता है। 9 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष जिस व्यक्ति का बीपी ऊंचा नीचा होता हो, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता हो, अगर वो 9 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष को मात्र 12 दिन तक 1 लोटे पानी में उसको डालकर उसका पानी सुबह सुबह नन्हे पेट पी ले, इसके बाद बीपी की बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। बीपी लेवल पर रहता है, कभी आपको नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 50 बार नाप कर भी देख ले। 9 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष का इतना प्रभाव। 9 मुखी वाला एक होता है 14 मुखी रुद्राक्ष जिस व्यक्ति को सबसे भारी बीमारी हो गई हो, बहुत बड़ी बीमारी हो गई और वो उस बीमारी से निदान ही नहीं पा रहा, तो 14 मुखी रुद्राक्ष उसके गले में बांध दीजिए, आपको और बीमारी से मुक्त होता चला जाए, बीमारी छूटती चली जाए। एक 14 मुखी रुद्राक्ष केवल एक ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति को चर्म रोग हो जाता है, चर्म रोग देखा होगा ना, वो सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, तो किसी व्यक्ति को अगर चर्म रोग हो जाता है तो 14 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा होता है कि जिसको 14 मुखी रुद्राक्ष पर भस्म लपेट कर उस भस्म के पानी में व्यक्ति को स्नान कराया जाता है तो 11 दिन के अंदर उसका सफेद चमड़ी का जो रोग है वो समाप्त तो हो जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष का इतना प्रभाव चर्म रोग को मुक्त कर देता है। 14 मुखी सभी रुद्राक्षों का अपना अपना एक मंत्र होता है। एक एक आज के जमाने में फैशन हो गया, लोग घर में रुद्राक्ष का पौधा लगा रहे हैं, ये शास्त्र के विहीन है। घर के अंदर रुद्राक्ष का पौधा नहीं होना चाहिए। घर में आप बेलपत्री का पौधा लगाओ चल जाएगा, पर बेलपत्री का पौधा भी घर के अग्रण्य भाग में नहीं लगाया जाता, घर के पीछे के भाग आगे नहीं लगा। बेलपत्र का पौधा भी पीछे, क्योंकि बेलपत्र में कांटे होते हैं और हमारे हिंदू धर्म शास्त्र रीति के अनुसार कांटे वाला जो पौधा है वो घर के पीछे होना चाहिए, अग्रण्य ना। क्योंकि आप सबको मालूम होगा भगवान नारायण को सबसे ज्यादा अगर कोई चाहती थी तो ज्येष्ठा देवी चाहती थी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन। क्या नाम था उनका? ज्येष्ठा। उसको लोग दरिद्रता कहते हैं। दरिद्रता भगवान विष्णु को बहुत चाहती थी,
माता ख्याति के चार बच्चे हुए थे ख्याति देवी के। पहले नंबर पर ज्येष्ठा दरिद्रता, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी, तीसरे नंबर पर दाता, चौथे नंबर पर विधाता। लक्ष्मी जी सज्ञ, चार बहन भाई। कितने बहन भाई हैं? चार, दो बहन दो भाई। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी को ज्यादा चाहते, और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जो थी ज्येष्ठा दरिद्रता, वो भगवान नारायण को ज्यादा चाहती। एक दिन भगवान नारायण को मालूम पड़ा कि मेरी ये, मैं लक्ष्मी जी को चाहता हूँ, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन मुझे चाहती है, तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। भगवान ने तुरंत लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूँ, तू जल्दी से मुझसे विवाह कर ले। इतने में लक्ष्मी जी ने कहा, कर तो लूंगी, पर दिक्कत इतनी सी है कि मेरी बड़ी बहन घर में कुंवारी बैठी है और छोटी बहन विवाह कर ले, ये अच्छा नहीं लगा। पहले बड़ी बहन की शादी तो हो जाए। भगवान नारायण ने उसी समय पर दुस्साहा मुनि को बुलाया और दुसा मुनि को बुलाकर कहा, दुसा जी एक काम करो, तुम लक्ष्मी जी की बड़ी बहन से शादी कर लो। दुसा मुनि बोले, मैं तो कुंवारा रहने वाला हूँ, मैं शादी वादी नहीं करूंगा। दुसा मुनि बोले, पहले कन्या तो देखो कितनी सुंदर है। जो कन्या दिखाई तो दुसा मुनि तो हृदय से उसको ध्यान देने लगे, और दुसा मुनि ने कहा, ठीक है शादी कर लेता हूँ। और दरिद्रता का विवाह दुसा मुनि के साथ में हो गया। अब दुसा मुनि उसको लेकर अपने घर जाने लगे, तो घर में तो हो रहा था यज्ञ। जैसे ही यज्ञ हुआ तो दरिद्रता बोल दी, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे घर में, पहले ये यज्ञ बंद करवाओ, ये धर्म का काम बंद करवाओ, ये पुण्य बंद करवाओ। क्योंकि दरिद्रता वही प्रवेश करती है जहां पर कोई पूजन पाठ धर्म दान पुण्य अनुष्ठान यज्ञ नहीं होता, वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, मुझे नहीं जाना तुम्हारे घर में। और दरिद्रता देवी भागी, और भागकर पीपल के पेड़ के नीचे दुसा मुनि की पत्नी दरिद्रता जाकर बैठ गई पीपल के पेड़ के नीचे। दुसा मुनि ने सोचा, करूं क्या। दुसा मुनि गए दुर्वासा जी के पास कि मेरी पत्नी को मैं कहां लेकर जाऊं। इतने में लक्ष्मी जी और नारायण का विवाह हो गया। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, बहुत दिन हो गए मेरी बहन से नहीं मिले, चलो जरा मिलकर आते। नारायण के चल पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी दरिद्रता। हमारे यहाँ इसलिए हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाते, क्योंकि उसके नीचे दरिद्रता का निवास होता है। दरिद्रता बैठी थी पीपल के पेड़ के नीचे, और लक्ष्मी जी नारायण के साथ में चली। अब जैसे ही लक्ष्मी जी चली, आप किसी के मिलने जाओगे तो क्या लेकर जाओगे? अरे बोले तो मिठाई का डब्बा ले जाओगे ना, लेकर आ। आज हमारी वो जी जी आई थी मिलने के लिए, तो मिठाई का डब्बा लाई कि नहीं लाई? ऐसे कोई भी कहीं पे भी जाए तो मिठाई का डब्बा लेकर जा ले गए। अब जैसे ही मिठाई का डब्बा गया, और दरिद्रता देवी को जैसे ही लक्ष्मी जी ने कहा, ले जी जी मैं तेरे लिए लाई हूं, और दरिद्रता ने जो मिठाई खोली, खोलते सी दरिद्रता ने फेंक दी। और दरिद्रता बोली, लक्ष्मी तुझे मालूम नहीं कि तेरी बहन क्या खाती है? लक्ष्मी जी ने कहा, जी जी मुझे मालूम है तू क्या खाती है, मुझे मालूम है तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, मैं जानती हूं, फिर मिठाई क्यों लेकर आई तू? लक्ष्मी जी बोली, हो सकता है शादी के बाद चेंज हो गई हो, थोड़ा बदल दिया, खट्टा तीखा खाना बंद कर दिया, तो मैं तेरे लिए मिठाई लाई, ले मिठाई खा ले। लक्ष्मी उठाकर डब्बा फेंका, मुझे खट्टा और तीखा प्रिय है, इसलिए तू लेकर खट्टा तीखा आती तो मैं खाती। महाराज आज भी हमारे हिंदू धर्म की रीति है, फ्रिज में या रसोई घर में नींबू और मिर्ची को एक ही डलिया में नहीं रखा जाता। काय में नहीं रखते? एक डलिया में सात, क्योंकि जिसके घर में नींबू और मिर्ची एक डलिया में रखी रहती है उसके घर में कभी शांति नहीं रहती और लक्ष्मी कभी टिकती नहीं। एक रुपए कमाओगे सवा रुपए खर्च होगा, फिर कमाओगे सोचोगे महाराज इतना कमाते तो जाता कहाँ है, टिकता तो है ही नहीं। उसका कारण है, जरूर तुम्हारे रसोई घर में नींबू और मिर्ची एक ही जगह पर रखा रहे। और इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि किसी की भी दुकान पर जाकर देखना, किसी के घर पर जाकर देखना, घर के बाहर दुकान के बाहर लोग नींबू मिर्ची टांगते, टांगते तो लोग कहते हैं नजर के लिए। नजर के लिए नहीं, लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों सगी बहन हैं, दोनों प्रतिदिन हर व्यक्ति के घर में प्रवेश करती है, हर व्यक्ति की दुकान में आती है, और दोनों जब दरवाजे पर आती है तो
जैसे ही दरिद्रता के लिए नींबू मिर्ची दरवाजे पर टंगा रहता है तो दरिद्रता दरवाजे से खा के बाहर चली जाती है और लक्ष्मी मिठाई खाने के लिए अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए नींबू मिर्ची को दरवाजे पर रखा जाता है और मिठाई के डब्बे को फ्रिज में रखा जाता है कि लक्ष्मी अंदर आए और दरिद्रता बाहर से खा कर चली जाए। दरिद्रता बाहर की बार जाए, उसका प्रवेश अंदर नहीं। इसलिए दुकान पर व्यापार में नींबू मिर्ची को दरवाजे पर टंगा जाता है, प्रवेश नहीं। महाराज हमारे यहां बेटी को जब विदा करते थे तो चार चीजें नहीं देते थे। कितनी चीजें? चार। पहली झाड़ू, अरे बोलो जम के क्या झाड़ू। दूसरी चलनी, चलनी जानते हो, छानने वाली चलनी। तीसरी सुई और चौथी अचार की भरनी। बेटी की विदाई में कभी नहीं देते थे। बेटी की विदाई में अगर देते थे तो बड़ी पापड़, और जब बेटी पहली बार विदाई होती थी ना तो डलिया में भरकर लाल कपड़े से ढककर मैदे की पूड़ी। इधर देते कि नहीं देते? देते, मैदे की पूड़ी, खाजा पूड़ी। उसमें नमक भी नहीं डलता, उसमें शक्कर नहीं डलती, केवल बिना नमक की बिना शक्कर की पूड़ी। और वो मैदे की पूड़ी बिना नमक बिना शक्कर की क्यों देते हैं? क्योंकि हमने हमारी बेटी को तो बिल्कुल ना तो उसमें शक्कर डाली है ना नमक डाला है, एकदम सादी बेटी हमने आपके घर में भेजी है। अब BIG साहब, आप इसमें चाहे नमक डालो चाहे आप इसमें शक्कर डालो, अब आपके व्यवहार पर है कि आप इसको कैसे रखते हो। हमने तो भेज दी बिना नमक और बिना शक्कर के, हमने इसमें केवल इसको शीतलता प्रदान कर, नम्रता इसको दी। अभी आपके ऊपर है, आपको कैसे। महाराज दरिद्रता देवी, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में चार चीजें बेटी के विदा में नहीं देते, एक झाड़ू, चलनी, सुई और अचार की बरनी। जो माता पिता अचार की बरनी या अचार बेटी के घर भेजते हैं, बेटी के घर में कभी शांति नहीं रह सकती, उसके घर में दुख बना ही रहेगा। इसलिए मायके से निवेदन है बेटियों को भी कि तुम दुनिया भर का सामान बांध के ले जाओ पर ये चार चीजें कभी अपने माँ बाप के घर से लेकर मत आना, कभी मत, कभी मत लाओ। ये चारों चीजें बर्बाद करने वाली है बेटी के जीवन, उसके घर में कभी सुख नहीं रह सकता, कभी शांति। अब देखो दुनिया की वस्तु माता पिता सब देते हैं, अपनी बेटी को ऐसा क्या नहीं देते। ले जाओ, और बेटी को अगर प्रियता है तो बेटी से कहते हम पैसे देते थे बेटा, तो अचार खरीदना बाजार से खरीद, पर मायके से नहीं देंगे। और मम्मी कितना भी अच्छा अचार डालती हो, लोग कहते हैं हमारी मम्मी बहुत अच्छा अचार डालती है, तो लड़की के जो ससुर जी बोलते हैं ना, लड़की के ससुर भी कहते थे बेटा तू जाए तो तेरी मम्मी के यहाँ का अचार लिया ना, अचार अच्छा लगता है। ससुर जी से भी कहते पापा तुम क्यों, तो मैं यहीं बनवा देती हूँ पर लाऊंगी, मैं ला नहीं, प्रिय ला नहीं, श्रेष्ठता में लाऊंगी। तो मेरा निवेदन केवल इतना, चार चीजों को छोड़ दिया है। कितनी चीजें? चार। पहली जम के बोलो झाड़ू, दूसरी चलनी, तीसरी सुई और चौथी अच्छा, ये चार चीजें बेटी के विदाई में ना दीजिए, श्रेष्ठता दीजिए। चलिए माता लक्ष्मी देवी ने कहा ठीक है दरिद्रता जी, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे यहां पर मिठाई लेकर नहीं आऊंगी, कभी नहीं। इतने में भगवान नारायण बोले लक्ष्मी चलो अब अपन चलते हैं। लक्ष्मी जी जाने लगी नारायण के साथ, भगवान विष्णु ने पलट कर कहा दरिद्रता देवी तुम इस पीपल के पेड़ के नीचे रही हो, केवल एक शनिवार का दिन एक ऐसा होगा अगर कोई पीपल के वृक्ष के नीचे आकर जल चढ़ाएगा, दूध चढ़ाएगा, दिया लगाएगा तो लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाए। कौन सा दिन? शनिवार। और सुनो दरिद्रता देवी, तुम पीपल के पेड़ के नीचे तो रहोगी पर एक बात याद रखना, अगर कोई पीपल के वृक्ष के नीचे खाली हाथ आएगा तो तुम उसके घर में प्रवेश कर जाओगे, पर अगर पीपल के वृक्ष के नीचे कोई खाली हाथ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ पानी लाया, दूध लाया, शक्कर लाया, घी लाया, दिया लाया, तो उसके घर में तुम कभी प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए हमारे यहां पीपल के वृक्ष के नीचे अगर कुछ भी सामग्री हो, पीपल के वृक्ष के नीचे
दरिद्रता देवी इस पीपल के वृक्ष के नीचे रहेगी और इसके नीचे निवास रहेगा। शनिवार के दिन अपन दोनों का निवास पीपल में रहेगा। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपना पक्ष रख दिया, तुम अपनी अपनी बात कर रहे हो कि पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसा रहेगा, एक दिन मुझको भी पीपल के पेड़ के नीचे चाहिए। भगवान नारायण बोले, रविवार का दिन दरिद्रता देवी तो पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन आएगा तो उसके घर में प्रवेश करेगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है, पीपल का पेड़ अगर किसी के दीवार में लग जाए, घर में लग जाए, उसको तोड़ोगे दूसरी बार वापस लग जाएगा, फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। केवल एक रविवार का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ने से पहले रविवार के दिन नींबू और मिर्ची उस पीपल के नीचे रख दो और उस दीवार पे से उस पीपल को उखाड़ कर फेंक दो, दूसरी बार वो पीपल कभी नहीं लग सकता, फिर कभी नहीं लगेगा। और अगर ऐसे रोज की रोज तुम दीवार पे से तोड़ोगे फिर पीपल लग जाएगा, फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। केवल एक रविवार का दिन पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का केवल एक ही दिन होता है और वो रविवार का, और वो भी ऐसे नहीं उखाड़ा जाता, नींबू मिर्ची दोनों उसके नीचे रखी जाती है तब पीपल के पेड़ को उखाड़ा जाता है, तो उसका हिंदू धर्म में फिर कोई दोष नहीं लगता। केवल एक वो कौन सा दिन है, रविवार, रविवार केवल एक जो दरिद्रता देवी को दिया गया। इतने में दुसाहा मुनि दुर्वासा जी के पास जाकर पूछे, दुर्वासा जी बताओ मैं अपनी पत्नी को लेकर कहां जाऊं। दुर्वासा जी ने कहा, ठीक है सुनिए, जो नारी दिन में अपने घर में सोती हो उसके घर में दरिद्रता को ले जाओ, जिसकी यहां रात्रि को बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में दरिद्रता को ले जाओ, और सुनो दुसाहा मुनि जिसके घर में कांटेदार पौधे लगे हों दरवाजे पर उसके घर में तुम इसको प्रवेश कर जाओ। इसलिए हमारी शास्त्र रीति कांटे वाले पौधों को पीछे, तो यहां तक कहा कि बेलपत्री का पौधा भी लगाना है तो पीछे करके पीछे अग्रणी भाग में आगे ना प्रवेश किया। महाराज एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष की माला मेरे नारायण ने जो भगवान शंकर ने दी थी देवऋषि नारद ने उसको उठाकर फेंक दिया, उसको निकाल दिया, माला नीचे। इतने में उसी समय पर नंदीश्वर निकल के जा रहे थे नंदी, और नंदी ने उस माला को उठा लिया और शंकर जी के गले में आकर वापिस पहन लिया। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव कैसे हैं, देवऋषि नारद के गले में पहनाई हुई माला देवऋषि नारद ने उतार दी, नंदी ने वापिस शंकर को पहना दी। शास्त्र कहता है शंकर के मंदिर में आपके पास में बेलपत्री नहीं है, शंकर की बेलपत्री उतार कर धोकर वापिस चढ़ा दीजिए, शंकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शिव को अलग से भी लाकर देने की जरूरत, क्योंकि नंदी ने भगवान शंकर की दी हुई माला को वापिस शिव को पहनाया था, इसलिए एक मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्री हजारों बार उतार कर शंकर को वापिस चढ़ाया जा सकता। और राम और कृष्ण को 33 कोटि देवता को एक बार जो सामग्री चढ़ गई वो निर्माल्य हो जाती है, फिर उसको वापस नहीं चढ़ा सकते, पर शंकर को चढ़ी हुई वस्तु वापस शिव को समर्पित कर सकते, वापस शंकर उसको स्वीकार करते, मेरा ओघड़दानी मेरा बाबा उसको स्वीकार कर ले।
कोई पूछ रहा था गुरुजी शंकर जी को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए। महाराज मुकेश भी आपके हरदोई के लोग बहुत प्रश्न करते हैं, ईमानदारी की बात। प्रश्न देखिए महाराज मिश्रा जी बहुत क्या कहे कि शंकर को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना जरूरी है, क्योंकि आजकल होड़ लगी है कपड़े की। कपड़े क्यों महाराज? कपड़े के चक्कर में ना पड़िए। और रावण ने एक बार संत का चोला पहना था। किसने? रावण ने। वो संत के चोले को रावण ने ऐसा बदनाम करा, उस दिन से लेकर आज तक लोग सबसे पहले गंगा में संत ही नहाकर उस चोले को धो रहे तो आज तक साफ नहीं हो पाया, वो ऐसा गंदा करा। आज तक साफ नहीं हुआ है संत का चोला। और जब टीवी खोलो ना कहीं का महाराज आपको ऐसा मिल ही जाएगा कि भाई इसने ऐसा करा। कपड़े के चक्कर में मत पड़ो। शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है, कोई महाराज आपसे कहे कि भगवान को पाने के लिए ये कपड़ा पहनना पड़ेगा, भगवान को पाने के लिए ये वस्त्र पहनना पड़ेगा, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है भोलेनाथ को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, भोलेनाथ को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत है, शंकर मिल जाएगा। आप कलेजा बदलो, कपड़ा नहीं। कपड़ा को दुनिया बदल बदल ली तो अभी तक भगवान नहीं मिला, और माला फेरते रहे भगवान नहीं मिला। कपड़ा बदलने से परमात्मा नहीं मिलता, मात्र कलेजा बदल, मन बदल। चलिए महाराज, एक राजा बीमार पड़ गया, और राजा बीमार पड़ा तो वेदों ने आकर डॉक्टरों ने कह दिया इसकी एक ही इलाज है, हंस को पकड़ा जाए और हंस को मारकर उसका मांस निकाला जाए, और मांस निकालकर राजा के शरीर पे मला जाए, राजा ठीक हो जाए। दूतों को भेजा, जाओ हंस पकड़ो। सरोवर के तट पर हंस आते थे, सबकी सब गए पकड़ने के लिए, पर हंस हाथ में नहीं आया, उड़ गया, हंस भाग गया। फिर दूत पकड़ना चाह रहे, फिर हंस भाग गया। सबने विचार करे ये हंस हाथ में कैसे आएगा, तब किसी ने कहा एक काम करो, हंस हमेशा संत के पास रहते हैं इसलिए संत का चोला पहन कर जाइए। हंस को पकड़ने के लिए वो राजा के दूतों ने संत का चोला पहन लिया और जाकर तप करने बैठ गए तो हंस उनके पास आए। हंसों ने आपस में बात करा, ये वही राजा के दूत हैं। पर दूसरे हंसों ने कहा भले राजा के दूत है पर चोला तो संत का पहना है, भले कुछ भी हो जाए पर चोले का सम्मान करना है, इसलिए चलो अपन पकड़ा जाते हैं, हम मर जाते हैं। संत के पास में हंस आ गए, पकड़ कर ले गए और उनको मारकर मांस राजा को मल दिया। पर शास्त्र कहता है, शास्त्र कह रहा है गति हंस की नहीं बिगड़ी है, गति उस चोला बदलने वाले की बिगड़ी है, जिसने धोखा दिया, जिसने छल करा, कपट करा, बेईमानी करी। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को पाने के लिए कपड़ा ना बदलिए, शिव को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, शंकर को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलिए, कलेजा बदलोगे शंकर सामने आ जाएगा। शंकर को छल प्रिय नहीं है, कपट प्रिय नहीं है, भगवान को बेईमानी प्रपंच प्रिय नहीं है। शंकर तो सीधे हैं इसलिए उनको सीधे साधे लोग बड़े, उनको भोलापन। आप सहज रहिए, आप सहजता में रहिए, बड़े सहज। हमारे श्री मुकेश भैया के जमाई साहब जीजा जी जो नोएडा से आए हुए हैं, आज प्रश्न कर रहे थे गुरु जी दुनिया के लोगों को तो अब मालूम पड़ा कि पांच जगह पानी छोड़ो तब शंकर प्रसन्न होता है, पर कोई लोग 90% लोग ऐसे हैं जिनको पूजन का विधान नहीं मालूम, जिनको कुछ ज्ञात नहीं है, क्या उन्हें कोई फल नहीं मिलता? हमने कहा क्यों नहीं मिलता, उसको फल मिलेगा पर फल पूजा का नहीं मिलेगा, उसको फल मंदिर तक पहुँचने का मिलेगा, उसको फल मंदिर तक जाने, उसको परमात्मा की चौखट तक का फल की अनुभूति है। प्रसन्न भाव में दिया गया, भगवान स्वीकार कर। एक फूल ताजा है तो आप भगवान को दोगे कि नहीं दोगे? अरे बोले तो दोगे ना, मुरझा जाएगा तो दोगे नहीं,
फल ताजा है भगवान को दोगे। उसी तरह शास्त्र कहता है, हिंदू धर्म की रीतियां कहती है, जिस व्रत में आपके चेहरे पर प्रसन्नता होती है उस व्रत को भगवान स्वीकार करता है, और जिस व्रत में प्रसन्नता नहीं है उसको भगवान लेता भी नहीं। कई व्रत ऐसे आते हैं जिसमें माताएं है, सुबेरे से तो अच्छी दिखती है पर शाम होते होते एकदम मुंडा उतर जाता है। वो कौन सा व्रत है जिसमें माताएं चांद देखती है? हाँ, वो करवा चौथ का व्रत। बड़ा भारी सुबह से माताएं भूखी रहती है शाम तक रात्रि तक, फिर रात को चांद देखे, वो एक अलग क्रम है महाराज, उसकी एक क्रमता अलग। पर जो ताजा है वो भगवान को दिया है, वो भगवान को प्रदान किया। जो ताजा है, जो श्रेष्ठ है वो भगवान को प्रदान किया, वो भगवान को दिया। और जो ताजा नहीं है वो हम देते हैं। कथा कह रही है अगर जिस व्रत को आप कर रहे हो उस व्रत में आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, प्रसन्नता। और यदि आपके चेहरे पर प्रसन्नता है तो भगवान उस व्रत को स्वीकार करते। भगवान स्वीकारे। एक बार करवा चौथ का व्रत था, टीवी पे न्यूज आ रही थी, एक पति का इंटरव्यू लिया गया, वो बार बार ऊपर जा रहा था, छत पे नीचे आ रहा था। न्यूज वालों ने पूछा, तुम बार बार ऊपर नीचे क्यों हो रहे हो? कि चांद देखने के लिए जा रहा हूं। तो न्यूज वालों ने पूछा, व्रत किसका है? तो के पत्नी का है। तो तू क्यों जा रही है? कि सुबह से मेरे को भी कुछ नहीं दिया, कह के शाम को ही बनाएंगे, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं तो निकल जा तो हमको भी कुछ मिल जाए। हमें पाने प्रसन्न। और एक तीज का व्रत होता ना, हरतालिका तीज, माताएं करती हैं हरतालिका तीज। हरतालिका तीज के व्रत वाले दिन देखना, सुबेरे से माता इतनी प्रसन्न दिखेगी, बढ़िया, 12, 12:30, 1 बजे तक भी इनके चेहरे पर रौनक लगती है, और 1 बजे के बाद मालूम पड़े पट्टा बांध के पलंग पे मिले। पट्टा भगवान भोलेनाथ भी के काय को व्रत कर लिया, तेरी जगह पर मैं कर लेता, काय करे। जो प्रसन्नता में दिया गया हो वो भगवान स्वीकार करे, भाव से दिया गया। भगवान नारायण के पास में देवऋषि नारद पहुंचे, और देवऋषि नारद जी ने जाकर भगवान नारायण के पास पहुंचते से कहा, श्रीमन नारायण। भगवान नारायण ने पूछा, देवऋषि नारद कैसे आए हो? नारद जी बोले, प्रभु आपको मालूम नहीं है, जिसको शंकर नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है, कामदेव को मैंने जीता, मैंने जीता। बस यही अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, ये अभिमत्ता में गए, अहंकार। अभिमान जो किसी काम का नहीं है, उस अभिमान से परे रहिए। और जितना अभिमान से परे रहोगे, शंकर कहता है मेरे धाम में आने वाला अभिमान से परे है। दक्ष प्रजापति ने शंकर को श्राप दिया था, भोलेनाथ तुम मेरे सती के पति होकर, मेरे जमाई होकर तुमने मेरा अपमान करा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे। कहां रहोगे तुम? शमशान। और भगवान शंकर तो पूरी सभा में उठकर नाचने लगे, तो खूब नाचे। तो किसी ने पूछा, भोलेनाथ तुम्हारे को तुम्हारे ससुर श्राप दिए कि तुम शमशान में रहोगे और तुम नाच रहे? शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, मुझे प्लाट भी ऐसी जगह दिलवाया जहां कोई कब्जा नहीं कर सकेगा। भोलेनाथ, मुझे प्लाट भी ऐसी जगह दिया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। शंकर जी नाच रहे प्रसन्न। और उसका नाम क्या है? कहा रहते हैं शंकर भगवान, शमशान। शमशान का मतलब जानते हो? जहां सबकी शान सम हो उसका नाम शमशान।
शान। अमीर भी जाए तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाए तो सफेद कपड़े में, अमीर भी जाए तो बांस पर, गरीब भी जाए तो बांस पर। जहां सबकी शान सम है उसका नाम सम शान, वहां किसी का लेवल बड़ा नहीं। पूरी जिंदगी कंपनी का माल पहनते हो, हम भैया कंपनी के कपड़े पहनते हो, हम कंपनी के जूते पहनते हो, हम ट्रेडमार्क का माल पहनते हो, हम ये, हम कंपनी 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 का पहने, कंपनी का सामान, ट्रेडमार्क का सामान, ये लाएं वो लाएं, पूरी दुनिया में कंपनी का काम करा, पर जब प्राण छूटे तो जो कपड़ा उड़ाया वो कंपनी का नहीं था, कि कौन सी कंपनी मालूम नहीं। और महाराज जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। सब छूटा, सब छूटा। इसलिए भगवान की भक्ति में रमो। बचपन जवानी अधेड़ी बुढ़ापा ये मत सोचो कि बचपन में नहीं जाना, भगवत चरणारविंद की ओर नहीं जाना, नहीं। दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। दुनिया में अगर शंकर के आप उपासक हो तो मृत्यु क्या, दुनिया का कोई बंदा आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि ये शिव का उपासक है, डरता है शंकर, शिव सारे तांत्रिकों का बाप है तंत्र विद्या में, अघोरियों का बाप है अघोर विद्या में भी, नट लीला का नटराज है वो, सरस्वती को भी नृत्य सिखाने वाला भोलेनाथ है, नृत्य भी वही सिखाता है। भगवान कृष्ण को वेणु का नाद कराने वाला, पहली बंसी प्रदान करने वाला वही है, गिफ्ट में देकर आया था बंसी, और वो काई की बंसी थी, दधीची ऋषि की अस्थियों में जो हड्डी होती है फेफड़े की, उसकी बंसी बनाकर देके आए थे भोलेनाथ भगवान कृष्ण, गिफ्ट ले लीजिए, इसका नाद करिए। वो नहीं था वो उपासक, सहज सरल और बहुत सहज है, बैठा रहता है अलमस्त होकर, आराम से बैठा रहता है। कई लोग कहते हैं आंख बंद करके बैठे रहते हो तुम, किसी को देखते नहीं, पार्वती जी बोलती है, बोले ना इतने सारे लोग तुम्हारे यहाँ आते हैं, तुम किसी को देखा तो करा करो। शंकर भगवान बोले जो मेरे काम से आता है उसी को देखता हूँ, बाकी के टाइम तो मैं आँख बंद करके बैठा रहता हूँ, क्योंकि आएगा ना कुछ मांग के जाएगा, इसलिए बैठे रहो चुपचाप। कितना सरल, सावन महीने में आप लोग काशी गए होंगे, नजदीक में आप लोग गए होगे, देखा होगा लाखों लोग लाइन लगाए हुए, गंगा जल कांवड़ के रूप में तन पर, और भीड़ चकाचक, और उनके ऊपर ले जा के लोग गंगा जली, गंगा जल तो जल, गंगा जली तक फेंक दे रहे शंकर पर। पार्वती जी कभी कई बार शंकर जी से बोली, देखो तुम्हारी गति बिगाड़ दी। शंकर भगवान बोले चुपचाप बैठे, बोल मत, चुप जाने दो, तुम तो हड़तालिका तीज वाले दिन देख लो, जब हड़तालिका तीज की पूजन माताएं करती है, ऐसे भालू रेत का शिवलिंग बनाती है थाली के अंदर, और सब मोहल्ले की माताएं इकट्ठी होके उसी पे सेव फल, उसी पे केला, उसी पे नारियल, और बस चले तो भुट्टा का कड़िया सब शंकर जी पे, शंकर जी नीचे दबते जाते, नीचे दबते जाते, भगवान शंकर, पार्वती जी बोली प्रभु हटाऊं, शंकर भगवान बोले रखे रहने, सुबह 4 बजे खुद ही हटा देगी, और ये पूरी रात बैठ के भजन गाए, तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, नींद हाय भोला नहा के रहूंगी। शंकर भगवान बोले नहाने की जरूरत नहीं, हम तो घुसे घुसाए बैठे, सहज। और उसके बाद इल्जाम लग दिया, भोलेनाथ तो गंजेड़ी है, भोलेनाथ तो भंगेड़ी है। ईमानदारी से बोलो, अपनी समाज में कोई लड़का गलत नशा करने लगे तो उसकी शादी होती है क्या? अरे बोलो तो कोई लड़की नहीं रहता उसको, क्योंकि ये गलत व्यक्ति है, खूब पीता है। अगर शंकर भगवान गांजा या भांग मांग का नशा करते, दुनिया के लोग नशा करे तो उनको एक लड़की नहीं मिले, उसको तो 52 मिली। कितनी मिली?
बावन, पार्वती जी का नंबर कौन से नंबर पे? 52 नंबर पे। इससे पहले पार्वती जी के 51 जन्म हो चुके थे। सती, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा, कात्यायनी, ललिता, ये पार्वती जी के पहले जन्म हो चुके। 51 जन्म माता पार्वती के हो चुके थे। शंकर जी के गले में मुंडों की माला देखकर पार्वती ने पूछ लिया, मुंडे किसके? भगवान शंकर बोले, सब तेरे प्रभु, मेरे, हाँ ये सब तेरे। होता है कभी कभी पति के गले में चेन पड़ी और पत्नी पूछ ली, ये चेन कहाँ से आई? तो पति कह देता है, जब तेरे दरवाजे पर घोड़ी चढ़ के गया था, तोरण लगाया था, तेरे पिताजी ने गले में एक चेन डाली थी, बस वही एक चेन इतनी भारी हो गई कि मैं खुद बेचैन हो गया। उस दिन से भारी पड़ गई, एक ही चेन इतनी भारी है। तो पार्वती जी पूछ ली, ये तुम्हारे गले में मुंडे किसके? शंकर भगवान बोले, सब तेरे। तो मेरे इतने सारे, हाँ हर बार जन्म ली मर, तो तुम्हारे इतने मुंडे में एकाध मुंडा तो तुम्हारा होगा। शंकर भगवान बोले, हमारे प्राण ही नहीं छूटे। तो पार्वती जी बोली, तुम्हारे प्राण नहीं छूटे, तुमने ऐसा क्या खा पी रखा? शंकर भगवान बोले, हमने अमर कथा सुन रखी, अमर कथा। पार्वती जी बोली, हम भी सुनेंगे। शंकर भगवान बोले, इतने जो जन्म हुए तेरे, हर बार तू यही बोलती और सुन ही नहीं पाती। कई बार आप लोगों के मन में प्रसंग होता, मैं तो पूरी 5 दिन शिव पुराण सुनूंगी, मन में तो सोच लिया, पर जैसे ही निकल रही थी इतने में मामा जी आ गए, रुको चाय माय पिलाओ, शिव पुराण में मत पहुंचो। कथा में हमारा पाप हमको जाने नहीं देता, हमारा पाप पहुंचने नहीं। महाराज कथा भगवान देवऋषि नारद ने जैसे ही कहा, नारद जी जैसे ही बोले, भगवान नारायण ने कहा, देवऋषि नारद क्या बोल रहे हो? प्रभु जिसको शंकर नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता। भगवान नारायण तुरंत उसी समय पर देवऋषि नारद से कहे, ठीक है आप जाइए। नारद जी जिस जगह पर बैठे थे, भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, जल्दी से गोबर ला और लीप दे, जल्दी लीप। लक्ष्मी जी ने पूछा, क्यों? वो देवऋषि नारद यहां बैठ के निंदा करके गया। निंदा करने वाला, निंदा सुनने वाला, दोनों में महापापी होता है सुनने वाला। पार्वती दूसरी बार ऐसा कर्म ना हो इसलिए तो इसको लीप दे, गोबर से लीप। देवऋषि नारद गए, भगवान नारायण ने इसके अहंकार को तोड़ने के लिए बीच में एक नगरी का निर्माण कर दिया, जिसके राजा थे शीलनिधि, उनकी कन्या का स्वयंवर था। और देवऋषि नारद ने जाकर कन्या को देखा तो मन में सोचा, सबका विवाह हो गया, मैं कुंवारा रह गया, मेरी और शादी हो जाए। तो भगवान से कहा, मेरा इतना सुंदर स्वरूप बनाओ, भगवान से कहा, मेरा ऐसा स्वरूप बनाओ जिसमें मेरा हित हो। भगवान ने कहा, तेरा हित होगा वही स्वरूप बनाऊंगा। और निंदा करने वाले का मुंह कौन सा होता है? तो कहा, एक निंदा शंकर भगवान के ससुर ने करी थी तो बकरे का मुंह लगा था, एक निंदा देवऋषि नारद ने करी थी तो बंदर का मुंह लगा, बंदर का मुंह लगा। शंकर की निंदा करने वाला पशु का जन्म लेता है, अगला जन्म उसका पशु का होता है, निंदा। इसलिए शंकर की कहीं निंदा होती हो या शंकर की कोई बुराई करता हो तो या तो वहां से उठ के चले जाओ या फिर जवाब दो, पूर्ण जवाब, रुकना नहीं, पूर्ण जवाब दो उसको, पूरी पूरी बात। होता है कई लोग प्रश्न, हम लोग एक बार कहा हैदराबाद जा रहे थे, शमशेरगंज में कथा थी, शमशेरगंज तो भोपाल से चले तो नागपुर के पास में से कुछ लड़के लड़की ट्रेन में चढ़ गए, और ट्रेन में चढ़े तो उन्होंने देखा महाराज जी बैठे हैं, चलो थोड़ा हंसी मजाक करेंगे, क्योंकि तो बेचारा धोती वाला आज के जमाने मजाक के लिए रह गया, चलो बैठे। लड़कों ने कहा, महाराज जी राम राम, हम बोले हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हैदराबाद जा रहे। अच्छा, काहे के लिए जा रहे? हमने कहा कथा। अच्छा, आप कथा करते हो? आप कथा करते हो? आप करते हो? मैंने कहा नहीं, करने वाले के सींग होते, कथा करेंगे नहीं। गुरु जी आपको तो बुरा लग गया। हमने कहा बुरा जाने दे, चूल्हा में तू ये बता क्या पूछना है, तेरे मन में कोई प्रश्न? हाँ एक प्रश्न है गुरु जी, हमारे मन में केवल एक प्रश्न बहुत दिन से चल रहा है। भगवान ने हाथ दो दिए, हमने कहा हो, पाँव दो दिए, हमने कहा हो, नेत्र दो दिए, हमने कहा हो, नासिका के छिद्र दो दिए, हमने कहा हो, भगवान ने कान दो दिए, हमने कहा हो,
तो ये बताओ गुरु जी, जब भगवान ने कान दो दिए तो सुनाई तो ये कान के अंदर जो ये छेद है इससे देता है, तो भगवान ने ये काय को बनाया फालतू, इसकी बनाने की क्या जरूरत है? बच्चों के प्रश्न देखिए, कॉलेज के लड़कों को, सुनाई तो ये दो छेदों से देता है, अपन को अगर ये हाथ लगा लीजिए तो बंद हो जाएगा सुनना, तो भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा इतनी सी बात तो तेरे प्रोफेसर से पूछ ले, वो बता देता कि भगवान ने ये क्यों बनाया। नहीं, प्रोफेसर से नहीं पूछना गुरु जी, आप बताओ कि भगवान ने ये काय को दिया। हमने कहा इतनी सी बात तेरे पापा मम्मी से पूछ ले। नहीं, आप बताओ। हमने कहा भगवान का एक नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम है जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, इसलिए उसने स्टैंड दिया कि रोज रोज बांधना छोड़ना खत्म कर, चश्मा यहां रख लेना। उसने कहा गुरु जी जय श्री कृष्ण, हमने कहा हैदराबाद कथा सुन, हर चीज में अच्छाई देखिए आपको अच्छा मिलेगा, आप भगवान की बनाई हुई सृष्टि में कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करिए, आपको श्रेष्ठ मिलेगा, अच्छा मिल जाएगा, आप बुराई छाटेंगे आपको बुरा मिलेगा, ये पक्का है, ये पक्का है, बुरा मिलेगा अगर बुरा देखो। महाराज अच्छा ढूंढने का प्रयास करिए, अच्छा देखने का प्रयास करिए, तो अच्छा मिलना अपने आप चालू हो जाएगा। देवऋषि नारद का बंदर का मुंह बन गया, जाकर बैठ गए सभा में, कन्या आई, वो तो भगवान की माया थी और मायापति के गले में माला पहना दी और नारद जी का अपमान हो गया, नारद जी को क्रोध आया, भगवान को श्राप दिया, मैं भी स्त्री के लिए रो रहा हूं, आपको भी रोना पड़ेगा, बंदर का मुंह बनाया, बंदर सहायता करेंगे, भगवान उस समय माया हटाए तो देवऋषि नारद चरणों में पड़ गए, मुझे क्षमा कर दो। भगवान विष्णु बोले क्षमा मुझसे मत मांग, जिसका तूने अपमान करा, जिसके लिए तूने अपशब्द बोला, जिसके लिए तूने आड़ी टेढ़ी बात कही, उसको जाकर बोल। तो मैं कहां जाऊं? चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर देवऋषि नारद ने बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करी, तब जाकर चंद्रभागा के तट पर शंकर भगवान ने दर्शन दिया, तब शिव दर्शन। इसलिए शास्त्र कहता है, भगवान शिव की कथा कहती है महाराज कि बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बाबा भोलेनाथ है सब गाइए, पाप निकल जाता। और ये ताली क्यों बजाई जाती है? एक बात याद रखो, ध्यान दीजिए, पहले की माताओं को देखा है, पहले की माताएं जब सिर में से ऐसी मार देती, जू को निकाला, अंगूठे पर रखा, मार दिया, क्योंकि पहले की माताएं उस जू को निकाल के जमीन पे नहीं छोड़ती, क्यों नहीं छोड़ती? क्योंकि छोड़ेंगे तो वो वापिस चढ़ेगी, उसको मार दिया। उसी तरह जब हम भजन गाते हैं तो हमारे भीतर का पाप निकल कर बाहर आता है, जैसे आए तो ताली बजाने से वो मर जाता है, और मालूम पड़े जो नहीं बजाए तो इधर का उधर का सारा पाप उसी में बाहर आता। इसलिए निवेदन है ट्रांसफर अच्छे से करिए, बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म
जब दोबारा। ओ प्यारा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा प्यारा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा जय हो। नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएं, नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएं, ओ नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएं, नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएं, ओ भक्त हमारे तू पर लेकर कांवड़ जाएं, हमारे ऊपर लेकर कावड़ जाए, ओ भक्त जनन के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा, भक्त जनन के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा, ओ प्यारा भोला नाथ है हमारा तुम्हारा, काशी जाऊं जाऊं गंगा तट पे, जब भी काशी जाऊं जाऊं गंगा तट पे, ओ जब भी उज्जैन जाऊं जाऊं छिपरा तट पे, जब भी उज्जैन जाऊं जाऊं छिपरा तट पे, ओ भक्त जनन के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा, भक्त जनन के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा, ओ प्यारा भोला नाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, प्यारा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा, ओ प्यारा शंभू नाथ है हमारा तुम्हारा,
लगनदारी से बोल दो एक बार फिर से, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के जम के हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए, हर हर। अब कितने बढ़िया बोले, बस एक बार में ऐसा बोल दो, नहीं तो बार बार बोलना ही नहीं पड़े अपने को, कितना प्रेम से बोलते हैं भगवान शिव। महाराज भगवान शिव देवऋषि नारद को दर्शन दिए और भगवान देवऋषि नारद को दर्शन देकर चले। ब्रह्मा जी को बुलाया शंकर भगवान ने और ब्रह्मदेव से कहा तुम सृष्टि की रचना प्रारंभ करो, सृष्टि की रचना करिए। अब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के लिए तत्पर हुए तो भगवान शंकर से पूछा सृष्टि कैसे बनाना है आप बताओ। भगवान शंकर ने अपना अर्ध नारेश्वर स्वरूप का दर्शन कराया। कौन से स्वरूप का दर्शन है? अर्ध नारेश्वर। अर्ध नारेश्वर स्वरूप का दर्शन कराकर ब्रह्मा जी से कहा आधे पुरुष आधे स्त्री बना दीजिए। शंकर भगवान का कहना था कि थोड़े पुरुष बना दो थोड़े स्त्री बना दो। अब जैसे ही अर्ध नारेश्वर स्वरूप का दर्शन दिया और भगवान शंकर दर्शन देकर चले गए, इतने में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी। अब उन्होंने आधे पुरुष और आधे स्त्री बना दिए, तो आधे पुरुष और आधे स्त्री बनाए तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों घूमते हुए पृथ्वी पर जब आए, आकर देखा तो यहां तो जितने मिले सब किन्नरी किन्नर दिख, सारे किन्नर। और किन्नरों को देखकर भगवान नारायण हंस दिए। भगवान विष्णु हंसकर बोले देखा भोलेनाथ जी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है, चारों तरफ किन्नर ही किन्नर बना दिए। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया ये क्या बना दिया आपने? शंकर भगवान बोले आप ही ने आधा पुरुष आधा स्त्री बनाने का बोला था तो मैंने पुरुष और स्त्री जोड़ के बना दिया। भगवान शंकर बोले हमने कहा था आधे पुरुष मतलब थोड़े पुरुष बना दो थोड़ी स्त्री बना दो, पर तुमने तो उनको भेला करके बना दिया, किन्नर बन गए। भगवान विष्णु को हंसी आ गई और भगवान नारायण को जैसी हंसी आई, इतने में तो भगवान शंकर ने तुरंत कह दिया नारायण हे देवेशी हे नारायण आप इन किन्नर पर हंस रहे, किन्नर इन पर क्यों हंस, इन किन्नरों पर हंसने का कारण क्या है? ये ब्रह्मा जी से गलती हुई है, हो गई। सुनो नारायण, शंकर भगवान बोले हे नारायण आप इन किन्नर पर हंसे हो इसलिए आपको भी पृथ्वी पर जन्म लेकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। किनको बनना पड़ेगा? भगवान विष्णु। और आपने कभी भागवत जी अगर सुनी होगी तो भागवत जी में पंडित जी ने बताया होगा आपको कि भगवान विष्णु किन्नर बने थे पृथ्वी पर आकर। कब? कथा याद करिए पांडवों का चरित्र। और द्रौपदी विवाह कर आई और माता कुंती ने कह दिया पांचों से पांचों बांट लो, पांचों बांट लीजिए। इतने में अर्जुन ने कहा कुंती के शब्द सुनकर द्रौपदी तुम्हें पांच पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा। द्रौपदी कहती है मैं पांच पतियों की पत्नी बनने को तैयार हूं पर शर्त मेरी केवल इतनी सी है एक एक पति के साथ में मैं एक एक वर्ष तक रहूंगी और यदि जिस पति के साथ में मैं रही हूं उस पति के कमरे में अगर कोई दूसरा पति आ गया तो उसको पांच साल के लिए बन जाना पड़ेगा। अगर मैं मंजूर कर रही हूं तो आप भी मंजूर करें। पांचों भाइयों ने कह दिया ठीक है मैं मंजूर है, अगर कोई कक्ष में प्रवेश करता है तो हम वन को जाएंगे। अब एक बार एक सिंह
एक ब्राह्मण के बच्चे को उठाकर ले गए और ब्राह्मण आकर दौड़कर बोला, अरे अर्जुन मेरे बेटे को, अरे शेर उठा कर ले गए, अर्जुन बचा ले। अर्जुन ने कहा मेरा गांडीव कहाँ है? अर्जुन गया गांडीव को लेने के लिए। इसको नहीं मालूम कि आज भीम का एक वर्ष चल रहा है उस कमरे में। और तुरंत उसी समय पर भीम प्रवेश, अर्जुन प्रवेश कर गया। जैसे ही प्रवेश करा गांडीव को तो ले गया, ब्राह्मण के बच्चे को बचा भी लिया, पर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कह दिया, अब तुम्हें 5 साल के लिए बन जाना पड़ेगा। और अर्जुन 5 वर्ष के लिए बन चले गए। तो अर्जुन वन में जाकर एक नागों की कन्या उलूपी के साथ में अर्जुन ने शादी कर ली और अर्जुन का एक लड़का हो गया जिसका नाम था अरावण। क्या नाम था? अरावण। अर्जुन का एक बेटा हो गया अरावण। अर्जुन वापिस आ गए और वापिस आए अर्जुन निवास किया। जब कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ हुआ तो युद्ध की भूमि को प्रसन्न करना है और युद्ध की भूमि को प्रसन्न करने के लिए, चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए, कौरव और पांडवों में से एक एक परिवार में से एक एक व्यक्ति की बलि देना जरूरी थी। अब कौरव तो खुश हो गए कि हम तो 100 में से एकाध बलि में चढ़ भी गया तो 99 बच जाएंगे, पर पांडवों में से अगर एकाध बलि में मर गया तो बचे कितने? 4। भगवान कृष्ण को चिंता लगी, करें क्या, इनका करें क्या। तो भगवान कृष्ण ने तुरंत अर्जुन को बुलाया और अर्जुन को बुलाकर कहा, अरे अर्जुन एक काम करो, तुम वन में गए थे और वहां तुम्हारा एक पुत्र हुआ था, उसको लाओ, बलि उसकी चढ़ाओ, लेकर आओ। अर्जुन गया, अरावण को लेकर आ गया। अरावण बड़ा हो गया था उस समय, और अरावण जब बड़ा हुआ आया, अरावण ने कहा, बोलो पिताजी आपके लिए प्राण देने को तैयार हूं। इतने में भगवान कृष्ण खड़े होकर बोले, अरे अरावण तेरे प्राण तो चाहिए, तू युद्ध के मैदान में युद्ध मत कर, चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए युद्ध के मैदान में सबसे पहले बलि देना पड़ती है, तेरी बलि चढ़ाना है। अरावण तेरे प्राण चाहिए। अरावण हाथ जोड़कर खड़े होकर बोला, दादाजी मरने को तैयार हूं, प्राण देने को तैयार हूं, पर बात इतनी सी है दादाजी, अगर कुमारी अवस्था में मरूंगा तो मुझे ना तो पिंड मिलेगा ना मुझे तर्पण मिलेगा। कुमारी अवस्था में अगर चले गया तो ना तो मुझे पिंड का भाग मिलना है ना मुझे तर्पण मिलना है दादाजी, इसलिए निवेदन मेरा केवल इतना सा है कि मेरी शादी कर दो, उसके बाद मुझे मार दो, मेरी बलि चढ़ा दो, शादी कर फिर बलि चढ़ाई। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पांडवों से कहा, पूरे हस्तिनापुर में ढूंढो कोई लड़की जिसके साथ में इसका विवाह करना है, आज रात को जरूरी है विवाह करना क्योंकि कल इसकी बलि चढ़ना है, जल्दी ढूंढो। पूरे हस्तिनापुर में ढूंढा तो कोई बाप अपनी बेटी को देने को तैयार नहीं, कौन देगा एक रात के लिए बेटी, क्योंकि कल यह मरने वाला है, बेटी विधवा हो जाएगी, कौन देगा, नहीं देगा। सब दूर ढूंढ लिया, भगवान हार गए। तब भगवान कृष्ण ने सोचा, करें तो करें क्या, इसका विवाह तो करना है। तब भगवान कृष्ण को शंकर का वचन याद आ गया कि पृथ्वी पर जाकर तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने एक रात्रि के लिए किन्नर का रूप रखा और उस अरावण से विवाह किया। इसलिए आज भी किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, मांग भरते हैं, बिछुड़ी पहनते हैं, हाथ में चूड़ी पहनते हैं, कोई पूछे इनका पति कौन है तो किन्नरों का विवाह एक रात्रि का एक घड़े से करा जाता है, उस घड़े का नाम रहता है अरावण। उससे विवाह करने के बाद सुबह 4 बजे उस घड़े को फोड़ दिया जाता है, उसको फोड़ दिया। किन्नरों का एक रात्रि का पति होता है अरावण। भगवान कृष्ण को अरावण के साथ में शादी करना पड़ी और किन्नर का रूप रखकर भगवान शादी करे। सवेरे अरावण की बलि चढ़ गई और भगवान रोते पड़े, भगवान के नैनों में जल भर गया। भगवान को भी शंकर के वचन से, मेरे नारायण को किन्नर का रूप लेना, सृष्टि रची महाराज, शंकर भगवान के सारे स्वरूप, पूरे स्वरूप के फोटो आप घर में लगाइए, पर अर्धनारीश्वर स्वरूप का फोटो कभी घर में नहीं लगता। कौन सा फोटो, जम के बोलिए जरा, अर्धनारीश्वर भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर स्वरूप का फोटो घर में कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगाएगा। मंदिर में आप लगा सकते हो पर घर में नहीं।
भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करके ब्रह्मा जी भ्रांति में पड़ गए। तब भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मदेव अब सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट करा और उसके द्वारा जो सृष्टि की रचना करी वो तानवाद, प्रियवत, कन्या, देवहूति, प्रसूति, आकुति, इनके चरित्र आ गए महाराज। और इनके चरित्र में सर्व सुंदर चरित्र जो आया प्रसूति का आया। प्रसूति दक्ष प्रजापति के साथ में भी आई महाराज। दक्ष प्रजापति के साथ में प्रसूति का विवाह हो गया। माता प्रसूति के गर्भ से 60 कन्याओं ने जन्म लिया। कितनी? 60 बेटों ने जन्म लिया। बेटों को संत बना दिया देवऋषि नारद। दक्ष प्रजापति क्रोध में आकर श्राप दे दिया, नारद मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक जगह पर नहीं टिक पाओगे। अब भगवान दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना कर, माता देवी की, मां कृपा कर मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए, मेरे घर में एक बेटी और हो जाए। स्वयं जगत जननी जगदम्बा बोली, तेरे घर में 60 लड़कियों का जन्म हो गया और तू लड़की मंग रहा है। आज का व्यक्ति होता तो बेटी के जन्म के बाद में तो क्या मांगता, अरे बोलो तो बेटा। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को। पर शास्त्र की रीति है, बेटा जन्म लेता है तो खूब नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं, और बेटी जन्म लेती है तो माँ पलंग पर रोती है और सास चूल्हा के पास रोती है। याद रखिए, बेटा भाग्य से पैदा होता है पर बेटी के लिए बाप का 100 गुना भाग्य इकट्ठा करना पड़ता है तब जाकर बेटी का जन्म होता है। और याद रखिए, बेटा एक बार अपने मां बाप को दुखी देख सकता है पर बेटी कभी अपने मां बाप को दुखी नहीं देख सकती, बेटी नहीं देख सकती। दुनिया के लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उतना मां नहीं रोती, क्योंकि बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है, क्योंकि बेटी के बिना बाप अधूरा है, अधूरा। दो मित्र मिल गए बहुत दिनों के बाद। उसने पूछा, क्यों आजकल दिखता नहीं है? अरे पूना में जॉब लगी हुई है। अच्छा, शादी हो गई? हो। बच्चे हो गए? हो। मेरे तो भगवान कृपा से 2 लड़के। लड़के? अरे वाह। और तेरे? मेरी 2 बेटी है, एक ये तनु एक मनु, दोनों हाथ पकड़ा, ये बड़ी है ये छोटी है। अच्छा। उसने कहा, अच्छा हुआ भैया भगवान ने मेरे को लड़की नहीं दी, मेरे को लड़का दिया, भगवान ने बड़ी कृपा करी। कहां लड़कियों के चक्कर में पढ़ो, स्कूल छोड़ो, कॉलेज छोड़ो, ध्यान रखो कहां जा रही कहां आ रही। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे लड़की नहीं दी। लड़की का जो बाप था उसकी आंख में आंसू भर गए, लड़की से देखा नहीं गया। उसने सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचा, अंकल ओ अंकल आप कहते हो भगवान ने अच्छा हुआ आपको लड़की नहीं दी, अंकल मैं कहती हूँ लड़की हमेशा मेरा भोलेनाथ किस्मत वालों को देता है, तेरे जैसे खोलने को नहीं देता, तेरे जैसे खोलने को नहीं देता। जो कभी अपनी बहन बेटी को एक साड़ी नहीं दे, अरे बहन बेटी को कभी एक वस्त्र नहीं दे, कभी बहन बेटी से मीठा नहीं बोले, कभी बहन बेटी का आदर नहीं करे, भगवान ऐसों के घर में कभी लड़की नहीं देता, कभी कन्या नहीं देता। जो अपनी बहन बेटी से कभी मिठास में बात नहीं करे तो कौन दे? भगवान कहते इसको तो लड़का दो, और लड़का भी दो तो लड़का दो, इसके बाद में बहू आएगी और जब गरम गरम डंडे कुदाएगी तब मालूम पड़ेगा, क्योंकि बेटी होती तो थोड़ा सा सहज लेती, बेटी होती तो नम्रता को प्रदान कर देती, पर बेटा बेटा किस्मत वाले हो जिनके घर में बेटी का जन्म है, सा भाग्यशाली। दक्ष प्रजापति कहते हैं, मां मेरे घर में 60 लड़कियां आपने दे दी पर एक लड़की और दे दो। याद रखना, वो बेटी को जन्म देने वाली मां का नाम आज तक पूरी पृथ्वी पर चल रहा है। किसका? दक्ष प्रजापति की पत्नी का नाम, शंकर भगवान की सास का नाम पूरी पृथ्वी पर आज तक चल रहा है।
क्योंकि बेटियों का जन्म दिया तो ऐसी बेटियों को जन्म दिया जिन्होंने संस्कारों को उत्पन्न किया, वो बेटियों को जन्म दिया। इसलिए पूरी भारत की भूमि के जितने हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल में जहां बच्चों का जन्म होता है, उस जन्म लेने वाले कमरे के बाहर भगवान शंकर की सास का नाम लिखा होता है, प्रसूति कक्ष। कौन सा कक्ष? प्रसूति कक्ष, क्योंकि इसने बेटियों को जन्म दिया है, संस्कारवान बेटियों को जन्म दिया। इसलिए कोई ने डोनेशन नहीं दिया, केवल संस्कारवान कन्याओं को जन्म दिया। इसलिए हर हॉस्पिटल के कमरे में जहां बच्चों का जन्म होता है वहां लिख देते हैं प्रसूति कक्ष, क्योंकि यहां जन्म लेने वाला बच्चा माता प्रसूति के जैसा ही निकलेगा, इसलिए इसका नाम प्रसूति कक्ष रख दिया जाए। प्रसूति कक्ष आदर। मुझे एक बेटी और दे, मेरे घर में एक लड़की और हो जाए, आप कृपा करिए। क्या करोगे बेटी का? माँ जगत जननी कह रही है इतने सारे आपके घर में लड़कियां हो गई, क्या करोगे? लड़का मांग लो। नहीं माँ, लड़का मांगूंगी तो ठीक है। बेटा और बेटी में अंतर होता है। मम्मी पापा को थोड़ी सी भी तकलीफ होती है ना तो तुरंत कह देती, पापा, मम्मी से भी बात करेगी तो कह देगी मम्मी पापा को कुछ दिक्कत है क्या? मम्मी पापा को देखो जरा, शुगर वगैरह नाप लो, थोड़ी बहुत तकलीफ हो, बीपी वगैरह डॉक्टर को दिखा दो। एक बेटी होती है जो बार बार फोन लगा कर कहती है पापा को देखिए, मम्मी पापा की तबीयत कैसी है, मम्मी पापा को तकलीफ क्या है। और एक घर में बेटा, माँ इस कमरे में सो रही, बाप उस कमरे में सो रहा, और बेटा पास के कमरे में सो रहा। पत्नी का सिर दुखा तो बेटे ने फोन लगा कर कह दिया अरे तेरी भाभी का सिर दुख रहा, जरा देख तो कोई मेडिकल खुला हो तो दवाई ला दे। और माँ बाप कमरे में बीमार पड़े तो बेटा ने एक बार फोन लगा कर नहीं कहा कि मेरी मम्मी का सिर दुख रहा है, मेरे पापा को तकलीफ। बेटी बेटी हो, बहुत किस्मत वाले हो जी आप लोगों की, अगर बेटी हो तो बहुत किस्मत। तीन के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। कितने भाग्य का? तीन। पहला बहन बेटी के भाग्य का। अगर किसी लड़की ने आपके यहां जन्म लिया है, कोई बहन बेटी आपके यहां आ रही है, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। तीन के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है, पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। ये तीन भाग्य के अनुकूल। अगर आप लोगों ने भीष्म गीता पढ़ी हो तो भीष्म गीता में अर्जुन को ज्ञान देते समय भीष्म पितामह ने कहा था, सुन अर्जुन चार तरह का भोजन बेकार होता है। कितने तरह का भोजन बेकार है? चार। अर्जुन पहला भोजन, जिस भोजन की थाली में कोई ठोकर मार दे वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। कौन सा भोजन? जम के बोलो, ठोकर लगा हुआ और नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर है। अर्जुन दूसरे नंबर का भोजन, किसी भोजन की थाली को अगर कोई लांग कर चले गया तो वो भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर। तीसरे नंबर का भोजन, अगर किसी भोजन की थाली में बाल पड़ा है, केश पड़ा है, तो वो दरिद्रता प्रदान करता है। और अर्जुन सुन, चौथे नंबर का भोजन, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में बैठकर भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के तुल्य होता है। अर्जुन वो मदिरा के तुल्य है। और सुन अर्जुन, एक भोजन वो, अगर बाप भोजन कर रहा है और बेटी अगर कुंवारी है तो पापा के साथ में बैठकर भोजन करे तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटी काल का हरण कर लेती है। बेटी काल को हरती है। बेटा बाप के साथ भोजन करे तो काल का हरण नहीं कर सकता, पर बेटी जब तक कुंवारी रहे अपने पापा के साथ भोजन करे तो वो काल का हरण करेगी, उसके बाप की अकाल मौत नहीं हो सकती कभी भी। अगर बेटी के साथ बाप भोजन कर रहा है, कुंवारी अवस्था में बेटी है, बेटी की शादी हो गई फिर वो भले अलग खाए, पर जब तक कुंवारी रहे तब तक पापा के साथ भोजन करे, एक काल का हरण करे। पर ना जाने दुनिया के लोगों को क्या हो गया, बेटा प्रिय है और बेटी ना। हम कई जगह पर जाते हैं महाराज, हम उनसे पूछते हैं कितने बच्चे हैं, महाराज जी मेरे दो लड़के। अच्छा, कहाँ हैं? महाराज एक तो बेंगलोर में है, एक विदेश में, और तुम दोनों फ्लैट में। हम दोनों
क्या मतलब? मुझे वो सुरेंद्र शर्मा की कविता याद आ गई, कवि सुरेंद्र शर्मा। एक बार उनका इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, तुम्हारे बच्चे कितने कितने? एक। अच्छा, क्या पढ़े? एक बार वो 11th क्लास में 93% ले आया, फिर मैंने जूता उठा के फूम मारा। तो अच्छा तो लाया था, फिर काय को मारा? उसको मारने की जरूरत क्या थी कि 93 क्यों लाए? दूसरी बार 12th में वो 52% लेके आया, मैंने पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाया। मेरा बेटा 52 लाया, पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाया, तो आप तो कम लाया। सुरेंद्र शर्मा बोले, अगर वो 93 लाता जाता तो मुझे छोड़कर कहीं विदेश भाग जाता। अब 52 लेकर आया है तो मेरा गांव छोड़कर भी कहीं नहीं भाग सकता। औलाद मैंने अपने लिए पैदा करी कि दुनिया के लिए पैदा करी? जो मेरी सेवा नहीं करे तो वो औलाद किस काम की? उस औलाद का मतलब बड़ा कठिन कि बेटा इंग्लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे, इस धन का उपयोग क्या? बेटा वहां, बेटी वहां, मेरा वह वहां, और दोनों डोकरा डोकरी पड़ोसी से कह रहे, हमारे यहाँ गुरुजी आया, जरा सी दूध की थैली ला दे, हमारे यहाँ मेहमान आए तू ये ले दे। पड़ोसी के बच्चों के प्राण खा रहे और खुद के बच्चे पढ़ लिख के विदेश कर, और पड़ोसी के बच्चे जा हमारी दवाई ला दे, जा हमारी सब्जी ला दे, जा हमारा ये ला दे। तो हमने कहा एक काम करो, पड़ोसी का बच्चा इतना काम कर रहा है तो जमीन जायदाद आदि, पड़ोसी के बच्चे जमीन जायदाद तो उसी को देगी जो कभी नहीं पूछा, कभी जिसने कभी आदर नहीं करा। और कई बहुएं आती हैं बाहर से दिवाली के टाइम पे आती हैं और सिर पे पल्लू लेके मम्मी जी करके चोकटा दिखा के 25-50 हजार लेके फिर उड़ जाए, फिर अगली दिवाली पे आए और मम्मी को बहुत अच्छा लगे, मेरी बहू। काहे की बहू? जो सेवा नहीं करे, आग लगे ऐसी बहू को, कहा मतलब? भारत उस बहू का सार तत्व क्या जो सेवा के भाव में न लगी हो? बहुत सुंदर कथा कि बेटा डॉलर में बंधा, सात समंदर पार मारा। बेटा डॉलर में बंधा, सात समंदर पार, चिता जलाने बाप की आए पड़ोसी चार। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे, किस काम का वो धन? कि बेटा इंग्लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार। क्या मतलब? वो जीवन किस काम का? खूब पढ़ाओ बच्चों को, हम भी कह रहे हैं खूब पढ़ाओ, इंजीनियर डॉक्टर सीए सब बनाओ, पर निवेदन है उससे पहले शिव महापुराण की कथा करेंगे। डॉक्टर इंजीनियर सीए बनाने से पहले बच्चों को संस्कारित बनाओ, क्योंकि बच्चे अगर ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाएंगे तो माँ बाप को कौन पूछेगा? माँ बाप को कौन? तो क्या कहते हैं बच्चे आज के जमाने में, क्यों तुम यहां रह रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा वहां पड़े हुए हैं, तुम उनकी सेवा कौन करता? हमने नौकर रख दिया। कौन रख दिया? नौकर। तो नौकर माँ बाप की सेवा कर रहा है? माँ बाप कौन? हमने पूछा, अगर नौकर तुमने माँ बाप के लिए रखा है तो एक बात बताओ, दीपावली पे तिजोरी की सफाई करते हो तो नौकर करता है कि तुम करते हो? अरे बोला तो नहीं महाराज, तिजोरी की सफाई तो हम करते हैं। तो महाराज जैसे तिजोरी की सफाई तुम करते हो, उसी तरह माता पिता घर की वो तिजोरी है जिसकी देखरेख घर के बच्चों को करना चाहिए। बहू करेगी तो उसकी भी बहू आएगी तो वो करेगी। जैसा करोगे वैसा। अच्छा करिए। कई माताएं कहती हमारी सास तो हमको बहुत गाली देती महाराज जी, हम तो उसका मुंह देखना पसंद नहीं करते। हमने काय को नहीं पसंद करती? क्यों पसंद नहीं करती? एक कथा नहीं सुनी क्या?
एक राजा को मालूम पड़ा कि हमारे नगर में एक व्यक्ति ऐसा है, इसका मुंह देख लो सुबह से खाना नहीं मिले। राजा को मालूम पड़ा हमारे नगर में एक व्यक्ति ऐसा है, इसका मुंह देखो तो सुबह से भोजन नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता। राजा ने कहा आज मैं भी जरा मुंह देखकर देखूं। लोग जबरदस्ती नाम बदनाम करे बेचारे का, उसको बुलाया, उसका मुंह देख लिया राजा ने। मुंह देखा तो सुबह से राजा को इतना काम आया, इतना काम आया कि शाम तक उसने रोटी नहीं खाई। राजा शाम को गया और पत्नी ने कहा आज तो तुम्हारे मुंह में भोजन का एक निवाला नहीं गया। राजा ने कहा वो खोड़ले का मुंह देखा ना, उसका मुंह देखा इसलिए आज मुझे भोजन नहीं मिला, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, उसको फांसी पिटा। बुलाया उसको, शाम को सभा में बैठा, बुलाया आज तेरा मुंह देखा इसलिए मुझे सुबह से भोजन नहीं मिला। तू बहुत बड़ा खोड़ला है, तेरा मुंह सुबह से कोई देख ले तो उसको रोटी नहीं मिले, आज मुझे नहीं मिला, आज मुझे भोजन नहीं मिला और आज मैंने रोटी नहीं खाई इसलिए मैं तुझे फांसी की सजा देता हूं, सूली पर चढ़ाता हूं। अब जिसको सूली पर चढ़ाने की सजा दे दी, वो सामने सूली टंगी थी उस पर चढ़ने से पहले वो खूब हंसा, खूब हंसा। तो राजा ने पूछा काय को हंस रही है तू, तो हंस क्यों रहा है? उसने कहा महाराज मैं हंस इसलिए रहा हूं, आप मुझे खोड़ला कह रहे हो कि तेरे चक्कर में मुझे भोजन नहीं मिला, पर आज सुबह से तुम्हारा मुंडा देखा तो फांसी की सजा मिल रही है, तुमसे बड़ा खोड़ला कौन होगा, तुमसे बड़ा खोड़ला और कौन होगा, अब मैं कैसे क्यों तुम्हारे चक्कर में फांसी, सुबेरे से मुंडा तुम्हारा देखा तो शाम आते आते फांसी मिल गई है। राजा ने कहा छोड़ो इसको, छोड़ो दिया। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, हम हमसे बड़ा बुरा संसार में कौन, हम बुराई ढूंढ रहे हैं तो हमें बुराई मिल रही है, हम अच्छाई ढूंढे हमको अच्छाई मिलेगी, हमें श्रेष्ठता प्राप्त हो हम ढूंढे। महाराज बच्चे यहां पर दक्ष प्रजापति ने जो मांगा है, महाराज हमारे घर में बेटी दे दीजिए, हमको बेटी चाहिए, हमें बेटा नहीं चाहिए। महाराज ठीक है, एक बेटी का और चलो, एक बेटी और हो जाए, एक बेटी और हो गई। जगत जननी जगदम्बा बोलती है मैं बेटी ढूंढने कहां जाऊंगी, स्वयं बेटी बनकर आऊ, स्वयं स्वता स्वयं बेटी के रूप में, और मां जगत जननी जगदम्बा खुद बेटी के रूप में जन्म ली और दक्ष प्रजापति की यहां सती बनकर जन्म ले ली। बोल सती माता की, मां सती के रूप में जन्म ली है, चारों तरफ सुख समाहित हो गया, चारों तरफ आनंद स्थापित हो गया, दुनिया के लोग मां सती का स्मरण करने, कि लहंगा भी लाल तेरी चूनर भी लाल है, लहंगा भी लाल तेरी चूनर भी लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा 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 लाल। सब गाइए प्रेम से। चूड़ा भी लाल तेरा गजरा भी लाल है, 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 ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है।
सिंदूर भी लाल है मेरे भी लाल तेरा सिंदूर भी लाल है मेरे भी लाल तेरा सिंदूर भी लाल है मेरे भी लाल तेरा सिंदूर भी लाल है ओ मैया श्रृंगार तेरा 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 लाल हर हर महादेव भगवान शिव की कथा कहती है जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता सती के रूप में मां अम्बे स्वयं दक्ष प्रजापति के घर में प्रसूति माता के गर्भ से जन्म माता प्रसूति के गर्भ से महाराज नारियों की जितनी भी बीमारियां होती हैं स्त्रियों की चाहे रजो धर्म से जुड़ी हो चाहे अन्य चीजों से जुड़ी हो माता प्रसूति का स्मरण कर कर एक वो गुलर का फूल आता ना घंटी वाला फूल जिसमें एक डंडी बांधने की देवी जी को चढ़ता है गुलर का उस फूल को माता प्रसूति का स्मरण कर कर जगदम्बा के मंदिर में जाकर देवी के चरण को छुआ कर अगर उस पुष्प को माताएं खा लेती है तो उनका जो भी बीमारी होती है रजो धर्म से जुड़ी हुई वो सारी बीमारियां उनकी समाप्त तो हो जाती नारी स्त्री कई कई बच्चियों को रजो धर्म से जुड़ी हुई बहुत तकलीफ होती है तो वो माता प्रसूति का स्मरण कर कर उस फूल को देवी के चरण में छुआ कर उसको खा लो चबा चबा सुख की अनुभूति आनंद की ये उसी तरह है जैसे भगवान शंकर पर चढ़ाया हुआ सुरजने की फली के पुष्प जो सुरजना की फली बोलते हैं क्या तरफ क्या बोलते हैं सांबर की फली सांबर में डलती है सुरजना की फली होती लंबी लंबी कड़ी में डालते हो सेम की फली क्या बोलते हैं उसके जो पेड़ होता है उसकी 31 झूमर पत्तियों के झूमर लगते हैं पत्तियां अलग अलग नहीं झूमर में लगती 31 झूमर शिवरात्रि के दिन तोड़ लीजिए शंकर को समर्पित कर दीजिए रात को 12 बजे शिव जी को चढ़ाकर उस झूमर को वापस उठा लीजिए 31 झूमर को 31 झूमर उसको पानी में उकाल लीजिए घर जाकर आधा लीटर पानी में उकालोगे 250 ग्राम हो जाएगा उतना पानी बना लो ठंडा करो कपड़े से छानो शिवरात्रि के दिन ही भले रात को 2 बज रही हो 2:30 बज रही हो 1:30 बज रही हो और शंकर के मंदिर में जाकर उस जल को जो छाना हुआ जल रहे उससे अभिषेक कर दो जैसे गन्ने के रस से करते हो मौसम्बी के रस से करते हो सरसों के तेल से करते हो उसी तरह उस जल से अभिषेक कर दो शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कौन सा मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे भागवत जी का मूल मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को बोलते बोलते शंकर पर चढ़ा दीजिए नीचे एक पात्र लगाइए उस पात्र में उस जल को झेल लीजिए मात्र 8 दिन 7 दिन उस पानी को सुबह सुबह खाली पेट लेना चालू कर दीजिए शुगर लेवल में आ जाएगी जिंदगी में कभी ना तो शुगर ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी लेवल बराबर रहे शुगर का लेवल कभी नहीं बढ़ाओ 50 बार चेक करवाओ डॉक्टर को दिखाओ 25 बार चेक कराओ और खूब मिठाई खाओ और यदि ये नहीं कर सकते तो 3 तरह की तुलसा होती है कितनी तुलसा होती है 3 रामा तुलसा श्यामा तुलसा और विमला तुलसा कौन सी तुलसा विमला विमला तुलसा एक ऐसी तुलसा होती है उसको
कथाकार होए चाहे वेद होए चाहे डॉक्टर हो उसको नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि विमला तुलसा का प्रमाण ये रहता है, लोग जो ईर्ष्या रखने वाले होते हैं, किसी के यहाँ शादी में मिठाई बन रही हो तो विमला तुलसा का अगर एक नखून से भी छोटा सा भाग उस चाशनी में डाल दिया जाता है तो वो पानी हो जाता है। इसलिए विमला तुलसा को लोग बताते नहीं है। एक विमला तुलसा होती है, अगर साल भर में एक बार विमला तुलसा का अंगूठे का नखून का जो भाग कटता है उससे भी छोटा सा भाग विमला तुलसा का साल में एक बार खा लो तो शुगर लेवल में बनी रहती है। तुम फिर कितना भी मीठा खाओ कितना भी नमकीन खाओ तुम्हारी मर्जी पड़े जो खाओ, और चेक भी कराते रहो डॉक्टर को जाके, खूब चेक करा। विमला तुलसा का इतना प्रमाण होता है। पर विमला तुलसा को खाकर देखना, विमला तुलसा का नियम है, विमला तुलसा को खाने के बाद शक्कर खा के देखना वो पानी जैसी लगना चाहिए, उसको मीठी नहीं लगना चाहिए, तो समझ लो विमला तुलसा। और अगर खाने पर अगर शक्कर मीठी लग रही है तो वो विमला तुलसा नहीं है। तीन तुलसा होती है, रामा, श्यामा और विमला। उस विमला तुलसी का सेवन साल में एक बार करना रहता है, केवल वर्ष में एक बार, वो कभी भी आप खाओ। उसके बाद साल भर खूब शुगर चेक कराओ, डॉक्टर के पास जाओ, खूब मीठा खाओ, प्रेम से रहो, अलमस्त रहो, अपनी जिंदगी अच्छी। ये उसी तरह जैसे शंकर भगवान पर साल में एक बार तुलसी चढ़ती है, कितनी बार चढ़ती है? पूरे वर्ष में एक बार शिव जी पे तुलसी चढ़ती है। कौन से दिन? बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, वो भी रात्रि को 12 बजे से 4 बजे के भीतर भगवान शंकर पे तुलसी चढ़ती है, और भगवान शालिग्राम जी पर ठाकुर जी को बेलपत्र चढ़ती है। उस बेलपत्र और तुलसा को उठाकर शहद की शीशी में रख लीजिए। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, चिड़चिड़ा हो, खेलने में दिमाग हो पर पढ़ाई में नहीं हो, उसको एक महीने वो शहद चटा दीजिए। कभी आपको नहीं कहना पड़ेगा कि बेटा पढ़ने बैठ, वो खुद पढ़ेगा और दिल से पढ़ेगा, और इतना पढ़ने में मन लगेगा कि अव्वल आएगा, कभी कमजोर नहीं हो। ये शंकर की बैकुंठ चतुर्दशी की तुलसा साल भर में एक बार चढ़ती। केवल दो देवता ऐसे हैं जिन पर तुलसी नहीं चढ़ती, एक गणेश जी महाराज और दूसरे शंकर जी। गणेश जी पे भी कभी तुलसी नहीं चढ़ती, अगर गणेश जी पे भूल से भी तुलसी चढ़ जाए तो गौ हत्या का दोष लगता है महाराज, इसलिए गणेश जी के लड्डू में, भोजन में, प्रसाद में तुलसी नहीं डाली जाती, गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं। और एक भोलेनाथ भगवान शंकर, इन पर भी तुलसी का प्रयोग नहीं होता। ये आज के समय में एक पत्रिका देखते ना पंडित जी, तो क्या कहते हैं, काल सर्प दोष बोलते कि नहीं बोलते? क्या बोलते? काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष का मतलब क्या? पहले के जमाने में काल सर्प दोष नहीं होता था, क्यों? क्योंकि लोग भगवान को स्नान कराकर जो पानी होता था उसको ले जाकर पेड़ पौधे में डालते थे। अब आज के जमाने में एक ही थाली में गणेश जी बिठा लिए, उसी में शंकर जी रख लिए, उसी में ठाकुर जी रख लिए, राम जी, लक्ष्मी जी सब उसी में रख के नहलाया, और उस पानी को उठाकर ले जाकर एक ही पौधा लिए दिए घर में तुलसी का, उसमें ले जाकर डाल दिया। और शिव महापुराण में लिखा है, अगर शंकर का चढ़ा हुआ जल तुलसी के पौधे में डलता है तो सर्प के डसने का दोष लगता है, उसको हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा जाता है। काल सर्प, इसलिए प्रयास करा करो कि देवताओं को स्नान कराएं तो वो जल या तो किसी अन्य पौधे में डले, तुलसी के पौधे में ना डले। शंकर जी के क्यारे में कभी, शंकर जी तुलसी के क्यारे में कभी शिव जी का चढ़ा हुआ जल नहीं डलना चाहिए, बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं, सर्प के डसने का दोष है, उसी को काल सर्प दोष कहा जाता है। काल सर्प, तो भगवान शिव की कथा करें। आप लोग कभी गए होगे बिजली महादेव, गए हो आप में से कोई बिजली महादेव? पूरी दुनिया में एक ही महादेव है, बिजली महादेव, मनाली के अंदर। कहां पर है? मनाली। पूरी दुनिया में एक ही महादेव है, जो मनाली में सबसे पहले अगर बिजली गिरती है तो शंकर भगवान का इतना बड़ा शिवलिंग है उसी के ऊपर गिरती है, उनका नाम है बिजली महादेव। उसके ऊपर बिजली गिरती है तो शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जरा जरा से टुकड़े होकर शंकर जी के शिवलिंग टूट जाता है। और टूटने के बाद में गांव में एक लंगड़ा परिवार है जिसके घर में कोई पूरा पैदा नहीं हुआ, विकलांगी पैदा होता है, उसके घर में से लोग निकल कर जाते हैं और पूरे मनाली में से मक्खन मांगकर उसको लेकर ऊपर चढ़ते हैं, और शंकर भगवान के टुकड़ों को बीन बीन कर मक्खन से जोड़ा जाता है। लाखों जनता इकट्ठी होती है उसको देखने के लिए। मक्खन से जोड़ने के बाद उस शिवलिंग को आप हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो नहीं टूट सकता, वो है बिजली महादेव।
जो मनाली में बसता है, वो बिजली महादेव पर लगा हुआ मक्खन जब शिव जी के ऊपर जोड़ते हैं शंकर भगवान के शिवलिंग को, और बाद में जब दूध चढ़ाया जाता है तो मक्खन जब बहकर बाहर आता है, उस मक्खन का क्रम होता है महाराज जी, जैसे कई लोगों के कोई बायपास कराना रहता है, सर्जरी कराना रहती है, तो कहते हैं डॉक्टर की बायपास कराइए, नस नाड़ी चोक है, तो उसको वो मक्खन दूध में मिला के इतना सा मक्खन उसको पिला दिया जाता है तो उसकी सारी नसें खुल जाती हैं। वो है बिजली महादेव। कौन सा महादेव है? बिजली महादेव। कहां पर है? मनाली। 8 किलोमीटर की चढ़ाई है उसकी बिजली महादेव की। आपके वो नेट पे सर्च करेंगे तो वो थोड़ी ज्यादा निकल सकती है, पर शिव महापुराण के अनुसार 8 किलोमीटर की चढ़ाई बिजली महादेव की।